तुम क्या लेके आयो, गैलाडो लेके आयो क्या? पता नहीं भाई, मैंने कोई नहीं लगाया, शायद लेक्सस लगाया। हाँ अच्छा, मेरा गैलाडो लगा हुआ है। कोशिश वही थी कि एप्पल खेल सके, बट वो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि हमारी एप्पल जो है वो क्रैक है, और ये जो है वो थोड़ी सी दिमाग के पास ज़्यादा हो गया, उन्होंने अब वो क्रैक अटैक कर लेते और अब वो गेम रेंजर से नहीं चल रहा। तो हम कुछ ढूंढ रहे, शायद कल आपको दिखाई देते हैं एप्पल की एप्पल पे कम्प्लीट करते हुए मैं और डैश। तब तक के लिए यही है, भाई तुम लैम्बो चला नहीं रहे हो क्या? अबे भाई ये गाड़ी ऐसा गलत चल रहा है, स्कीड कर रहा है तब से। भाई साहब मतलब क्या ही फायदा हुआ लैम्बो? अरे ये अपग्रेडेड नहीं है ना, बेसिक वाला है, बस कलर बदला था। गलत कर दिया ना। अबे यार ये क्या बेकार लगाते हो भाई मैप? भाई इसमें सारा एरिया कवर होगा, पूरा एनएफएस है इसमें, 27 किलोमीटर का ही है। गुजरात से कर रहा हूँ ब्रो, घर से नहीं, घर पीसी कैरी तो नहीं कर सकता। भाई तुम घर जाने वाले थे ना, घर पर क्या बोल? टिकट कंफर्म नहीं हुआ ना, बोला था तुमको। तो तुमने तत्काल ट्राई नहीं किया? नहीं, जनवरी में मम्मी बुलाया। तो बुक कर लो अभी से टिकट। करता हूँ। जनवरी में भाई 4 महीने भी नहीं बचे, कर लो। डार मैं कह रहा था लैम्बो लेके क्या फायदा हुआ। हाँ भाई मैं ठुक गया वहां पर, ठीक है, मैं गलत एक टर्न गलत प्रिडिक्ट कर रहा था। जो भी बोलो यार, लैम्बो में फील तो है। रियल लाइफ में और भी फील आएगा भाई। यार कितना सेक्सी है भाई, दुनिया का कोई लड़की उसके जैसा सेक्सी नहीं बन पाएगा। भाई मेरी फैमिली फ्रेंड भी। अरे अरे मतलब सेक्सी इज नॉट अ गाली, हाँ कॉम्प्लीमेंट समझ के चलो ना। लेकिन सारे पेरेंट्स टीएमएन सिटी के नहीं होते। अरे यार पेरेंट्स को देखना है क्या? अगर किसी ने टीवी पर लगाई हुई तो कितना वाचिंग आ रहा है भाई, कितना शो का वाचिंग आ रहा है भाई। मेरी जनता एकदम मस्त है, एक जन देख रहा है पूरा भाई। मेरा भी एक जन पूरा देख ही रहा है, और वो भी बच्चा है, मतलब लाइक बच्चा नहीं है, 11th में पढ़ता है। कौन है वो? स्ट्रगलिंग है ना, उसका भाई है। ब्रदर्स मैं चैट करता हूँ यार तुम्हारी। अच्छा दो हो गए भाई, दो हो गए। मैं चैट पढ़ता हूँ, ये रेस करता हूँ वैसे तो करो बिना देख के तो कुछ नहीं आएगा। अरे मत कर ये, देखो ये ना इसीलिए रिमोट के सामने ना सुन के कर। भैया मैं अबे नोवा भी आया है, सही है ब्रो। नोवा में पढ़ता हूँ यार तुम्हारी चैट, तो बस वो एकदम लास्ट वाला देखा भैया मैं एकदम से पढ़ा है भाई, 7 सेकंड से 12 सेकंड पर आ गया। कवर तो कर रहे हो बे? हाँ हाँ बिल्कुल। फक मैं थोड़ा ठोका, आगे चौड़ा रोड है, निकल जाएगा। अबे F1 पे बोलो फील आया कि नहीं रेसिंग करने? हाँ अच्छा लगा। नहीं मैंने बाद में कर लिया था, पहचानूंगा क्यों नहीं भाई।
इतना याददाश्त थोड़ी ना कमजोर है। भाई वो IMC में जियो क्लाउड में अगर ये गेम होता ना, हम साले स्ट्रीम मतलब PC लेते भी नहीं, यही खेलते रहते। लेकिन था नहीं भाई, बकचोदी वाला एक गाड़ी देता था, बहुत ही बकचोदी था वो। कोई बाई कोई गेम बाई नहीं किया? नहीं नहीं बाई कौन करेगा, भाई इतने पैसे नहीं है गेम खरीदने के। काम साला क्रैक वर्सन मल्टीप्लेयर खेल रहे, तुम देख रहे हो, तुम कह रहे हो बाई की। तुम ठुके क्या कहीं पर? दो तीन जगह हल्का हल्का। भाई ये अगर सर्किट पूरा NFS है भाई, इसलिए ये ही चाहिए तो ये लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैक सर्किट इसका 2 लैप करूंगा भाई, इसका 3 लैप बहुत लंबा हो जाएगा। अबे तो चलेगा ना, क्या करना है। हाँ वैसे भी हाँ यार, 250 का मैं तब से मेंटेन कर रहा हूँ पता है। T7 23 3 लैप मतलब 20-25 मिनट चलेगा। हाँ ये क्या, अभी चैट पढ़ते हैं भैया जो भी। थैंक यू ब्रदर्स, वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम टू द स्ट्रीम, हमारे दिल को करार देने आए। भाई मैं काफी टाइम से एक्चुअली सोच रहा था कि स्ट्रीम करेंगे करेंगे, बट ना हिसाब किताब कुछ भाई बन नहीं रहा था। वो वाला सर्किट में है नहीं भाई, क्या अरे यार वो इस सर्किट में चाहिए भाई, मजा करूं। आएगा। ढूंढो ना कुछ तो होगा। नहीं है वो वाला, सबसे बड़ा वाला लगा सर, सबसे बड़ा वाला लगाता हूँ, 15.9 किलोमीटर। लगा लो लगा लो। अच्छा मेरे को लगा कि चैट नहीं दिख रहा है। नहीं यार दिख रहा है, बट अभी ना मतलब मैं घर पे नहीं हूँ, मतलब घर इन द सेंस वो वाला नहीं है। अंकुश यार थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा मुझे लगा कि चैट नहीं दिख रही है। इम्पल्स भैया आए और हम ना आए, थैंक यू यार। अच्छा यार तुम लोग आते हो अच्छा लगता है, कितने बदल गए हैं यार। कौन गाली देने वाले भैया को नमस्कार। तो देखो तुम पता है लोग भाई, लेकिन ये लोगों ने जो 2012 वाला किया है ना, हगा है उसमें भाई। 2005 को अगर रिमास्टर्ड करते हैं ना आजकल के नए गाड़ीज के साथ, तो ये गेम सच में टॉप में आएगा, भाई, क्योंकि 2012 भी क्यों, हगा है भाई। 2012 मैंने देखी, मैं 2012 खेली ही नहीं है भाई। बहुत बेकार है वो, लाइक इसके इसके तो आसपास भी नहीं है। तो फिर से गाड़ी नहीं बदले भाई, छोड़ो। अबे स्ट्रीम अटक रही है क्या मेरी, कोई कंफर्म करो, क्योंकि मेरे को अबे मैंने देखा है कि भाई। हाँ भाई जीतता है तो कार से करना था, बट मैंने लैम्बो लेके आ गया। वैसे भाई परफॉर्मेंस तुम्हारा वो लेक्सस जो है IS 300, वो ये वाले लैम्बो से बेटर है ऑन पेपर। पेपर छोड़ो ना भाई,
पिकअप प्ले स्लो है ना, इसका पिकअप कम। इसका कंट्रोलिंग बहुत बेकार है भाई। लेक्सस का ये अच्छा है, कंट्रोल्स अच्छे ये साला, इसके लोगो जैसा है, सांड जैसा, पूरा कंट्रोल नहीं होता, बट जब भागता है ना तो लगता है भाई कुछ तो चल रहा है जिंदगी में। इंटरफेस का नया वाला नया वाला 4,500 में मिल रहा है गेम। कुछ आया है नया राइवल्स? नहीं राइवल्स तो पुराना है, पेबैक है शायद, याद नहीं आ रहा कौन सा है। अच्छा भाई एनएफएस सीरीज में ना मजा नहीं आता। मैंने लेटेस्ट वाला खेला शायद राइवल्स या पेबैक कुछ तो खेला मैंने, लाइक अच्छा है बट मोस्ट वांटेड जैसा नहीं है। मोस्ट वांटेड ओजी है भाई, ओजी। स्कूल से आओ और बैठ जाओ भाई, रेजर को हटाना है भाई, है कि प्रैक्टिस भी नहीं करना पड़ता इसके लिए। तो ज्यादा पीछे नहीं हो, मुझे लगा कि बहुत पीछे हो। नहीं मैं डिस्टेंस देख रहा था, 760 मीटर। ठोक दिए क्या? इतना पीछे कैसे चला गया? अबे ये क्या था? रीसिंग हो रहा है। हाँ भाई मुझे क्विट रेस का ऑप्शन और। हेलो यू रिमेम्बर? हाँ भाई ड्राउजी, भूल कैसे जाएंगे। अबे ये क्या हुआ? यू नो हैव लॉस्ट आइडिया। योर कनेक्शन टू द होस्ट और होस्ट हैज क्विट द गेम। हाँ भाई आ जाओ बाहर आ जाओ। हाँ वेटिंग अरे फॉर प्लेयर्स टू कनेक्ट ब्रो भाई मैं। भैया, अरे ब्रो भैया अभी अपने घर पर नहीं है ना, इसलिए वॉइस थोड़ा क्रैक हो रही है। तुम्हारा अजय चैट नहीं पढ़ा मैंने? कौन सा चैट नहीं पढ़ा था? यो मैं आ चुका हूँ एनएफएस ब्रो, सारा अनबोर्न पढ़ा थोड़ा है। मोड़ा ऐसे गेम को अपग्रेडेड वर्जन लग रहा है, चेक कर लो। अच्छा एनएफएस अनबाउंड करके कोई एक गेम आया तो कह रहा है कि ऐसा मैं है। आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ, आपकी पुरानी स्ट्रीम भी बार बार। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार, तुम लोग का यही प्यार है जो मुझे बार बार खींच लाता है यहाँ पर, पता है। कोई नहीं, आई गेस यू डोंट रिमेम्बर मी। कौन? आई रिमेम्बर यू, मोक्ष नहीं हो तुम भाई। मोक्ष पता नहीं कहाँ गया, अरे मोक्ष तो डिस्ट्रॉयर दिखता ही नहीं है। रेडी हाँ करो भाई। आया, एक मिनट मुझे कार चेंज करनी है। हल्लो हल्लो मैंने भी कर लिया। कौन सी ली है? वही कल वही ली थी। कॉर्वेट। हाँ C6? कौन सी वाली कॉर्वेट ली है? C6R या C6? पता नहीं, कल वाला एक ही तो था। दो है तेरे? मैंने C6R लिया है, देख लेना तो। C6 है मेरा। भाई ये एक मिनट भाई, ये ना डिस्कॉर्ड का कुछ करना पड़ेगा भाई, बहुत लैग होता है डिस्कॉर्ड अच्छा सी का। सिक्स आर लिए हो क्या? चलो ले लिया सी सिक्स। हाँ
डिस्कॉर्ड के कारण ना भाई परफॉर्मेंस ड्रॉप आता है भाई, और ओबीएस अटकता है। तो रिमेम्बर में, अरे यार आई रिमेम्बर यार, जो रेगुलर्स थे ना जैसे नोवा हो गया, जैक्स भाई, ये लोग सब, इनको अपन पहचानते हैं क्योंकि तुम लोग रेगुलर थे एकदम। गाड़ी को क्या हो गया, टेक्सचर का चलेगा? कल भी मेरे साथ यही हो रहा था। तुमने शॉर्टकट लिया था क्या मेरे पीछे? मस्त था ना शॉर्टकट? मैं नहीं लिया, मैं बाहर से लिया। देखे ना एटलीस्ट। अभी तुम ऐसे ही दिख रहे हो। लैब देख लेना ठीक है, 6 है। हाँ 6 किलोमीटर का पहला लैब खत्म। साला उड़ के आ रहे हो। अबे क्या कर रहे हो डैश? मुझे लेफ्ट जाना था, तुम जाने नहीं दे रहे थे मुझे। साले तुम मुझे बैरियर में मार दोगे क्या? कोई मैं मारा ही नहीं था। सी ऑफ टिप्स करी देंगे जब शगडिंग का बैंक अकाउंट बन जाएगा। अच्छा यार, लोगों को दोनों का यही प्लान है यार। सी ऑफ थीव्स में क्या मजा आता है भाई, लोगों को खेल के देखना पड़ेगा एक बार भाई। बहुत क्या हो रहा है? डिस्कॉर्ड ऑफ करके ट्राई करो। टीम स्पीक भी तो नहीं है पहला वाला। अरे वो लॉबी में भी शायद बात करने का जुगाड़ था। गेम रेंजर शायद था। डिस्कॉर्ड बहुत रिसोर्स खा रहा है आजकल। पीसी है मेरा, इसीलिए चल जाता है। लैपटॉप है ना, लैपटॉप का तो खींच भी नहीं पाता। चार की वाचिंग है भाई, सही आ रहा है। प्रो स्ट्रीमर बैक है क्या? चार का हुआ है भाई। यार क्या है भाई, क्या कुछ भी होता है। क्या हो क्या रहा तुम्हारे साथ? एकदम से ही मैं खोता कहीं पर हूँ, पहुंच के नहीं आ जाता। नेट इशू भी हो सकता है। कहाँ चेक कर रहे हो नेट? स्पीड टेस्ट खोल के बैठे हो क्या? हमारे पास लैन केबल नहीं है, तुम्हारा वाईफाई जब लगाने आता हम उनसे ले रहते ना। बोल देते यार आईएमसी में लेके चला जाता, मेरे पास 5-6 पड़ा हुआ है। तब तक तो वाईफाई भी नहीं लगाते।
कॉल कर सकता हूँ, मेरे पास पड़े हुए हैं 5-6। आज तक जितने जगह कनेक्शन लगा किसी को लैंड केबल वापस नहीं किया, सारे वर्किंग कंडीशन है। हाँ भाई गाड़ी टीपी मार रही है यार, क्या करूँ, गाड़ी टीपी मार रही है। हाँ कल मेरे साथ एक मैच में ऐसा ही हुआ था, बड़ो पीसी था इसीलिए स्टेबल। कल वाला डिस्ट्रॉयर नहीं दिख रहा है, कल वाला डैशबोर्ड दिख रहा है डिस्ट्रॉयर में। ये क्या आप जॉब करने लगे? हाँ भाई जॉब जॉब चालोगे। डैश भाई भी लाइव है क्या? चैनल नेम तो डैश, तुम्हारा नाम क्या डैशबोर्ड गेमिंग, है? डैशबोर्ड गेमिंग, DSHBOERDGAMING, डैशबोर्ड गेमिंग। रुक जाओ मैं आया। 3037X। अबे चालू हो जाएगा, अबे नहीं एग्जिट कर दिया ना मैंने, क्यों मैं सेटिंग्स चेंज कर रहा हूँ। अब यार फिर से बनाना पड़ेगा। अच्छा नहीं तुम जॉइन साथ कर पाओगे, ट्राई करके देखना। वापस हाउ आ गया इज मैं। योर जिंदगी? अरे पता नहीं गाइस क्या हुआ, एकदम से स्ट्रीम ही ऑफ हो गई। वापस से चालू किया है हमने। भाई मुंबई में रहने वाले हो ना, एक पीसी बिल्ड कर लो भाई, पार्ट बाई पार्ट हाँ भाई ईएमआई में ही सही, लेकिन कर लो। पैसे तुम दे देना, अरे भाई ईएमआई में कर लो। तो जो ये नया फोन लिया उसका पैसा। अबे वैसा क्यों सोच रहे हो, जो टोटल बिल्ड होगा उसको भी एक ईएमआई में डाल देना। नहीं भाई, अबे रूम बंद करके वापस चालू करो। ईएमआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आ होस्ट कर दिया भाई। अरे सर हम तो भूल, ठीक है डैशबोर्ड ठीक भाई है। ओपी बोलते, थैंक यू नोवा। राणा कौन था रे, भूल गया मैं, कौन था, अजीत था क्या? हाँ शायद अरे सर, अरे नहीं भाई भूल क्यों जाएंगे तुम, तो तुम्हें हमें भूल चुके हो भाई। हाँ भाई, अपने जो भी प्लेयर्स थे सब भूल गए हमें। हाँ भाई दो पल का जीना। अजीत हो ना, हाँ भाई अरे भाई अच्छा, अरे बहुत सारा ट्रैक पता है डिस्ट्रॉयर अपने लिए वो है, लॉक है वो, ब्लैक लिस्ट में जीतेंगे ना तब अनलॉक हो जाएगा। अबे मैं थोड़ा बहुत ऊपर आया हूँ, मैं ट्राई करूँ क्या? अबे ब्लैक लिस्ट 2 को हराना है भाई, थोड़ा बहुत तो मैं भी ऊपर आया हूँ। इतना तो ऊपर नहीं हूँ मैं। वही तो तुमको कह रहा था। एक मिनट मैं ट्राई करूँ क्या होस्ट करके? तुमने होस्ट किया है क्या? हाँ भाई कर दिया है। और बताओ अजीत कैसा चल रहा है तुम्हारा जिंदगी, क्या चल रहा है, तुम्हारा फ्रेंड कैसा है, सर्किट क्या है, सर्किट है, स्प्रिंट है, क्या है अभी? है भाई। चलो इसको हो गया ना, हाँ चलो।
हाउ इज योर फ्रेंड, हाउ इज यू डूइंग? कैंपस इंटरचेंज 22 किलोमीटर का ट्रैक है भाई। सही है भाई, ये वाला शायद हमने खेला नहीं है, ठीक है शायद। देखते हैं डेस्ट्रो कम्युनिटी डालो सब्सक्राइब क्या, करो शायद गाइस रेगुलर आ सब्सक्राइब। जाए। जोक अबे डाल दो, कोई आ जाए तो आ जाए, बढ़िया ही है। ये क्या था? क्या क्या मिला? रिवेंज लेके पीछे ही रहेगा, ना ठोक के निकल जाता है आगे। चैट भी पढ़ रहा हूँ ना मैं, भी पढ़ रहा हूँ भाई, तुम्हारे जितना प्रो स्ट्रीमर नहीं हूँ बट पढ़ता हूँ भाई। फ्लैट ट्रैक है भाई, उड़ाओ अभी। अबे ठोका, अबे हट, सब मस्त, आपकी दुआ है सर। सही है भाई, और ये डिस्ट्रॉयर दौड़ते हुए भाई, क्या टीपी मार रहा है डिस्ट्रॉयर का गाड़ी। चेंबर ओपी ओमन लग रहा है भाई। ठोके ना, इधर दिखा रहा है ठोके। भाई पीछे से आके ठोक रहे हो फिर बोल रहे हो डैश? मैं सीधा जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स भाई तुमको जाने नहीं दूंगा, ये बात तो सच है। मैंने कहा ना ये भी जाने नहीं देगा। तो ये खेला है कर। देखो कौन ठोका? भाई तुम एकदम ट्रैक के बीच में चला रहे हो, ना लेफ्ट में बंदा जा सकता है ना राइट में। भाई वही तो स्ट्रीट रेसिंग है भाई, तुम आया था बस। हाँ भाई, भाई देखा देखा देखा। यही होता है, जैसे अपडेट आता है याद देता है वो। अब जो भी डैश की स्ट्रीम पर बैठा भाई, मेरी स्ट्रीम वापस लाइव हो गई। लाइट नहीं खेल रहे क्या? नहीं भाई, वीपीएन लगा लगा के मन मन उठ गया भाई खेलने। कितना कर ले भाई वीपीएन लगा लगा के। अबे लोड हुए जा रहा है भाई, क्या हुआ? नेट गया क्या मेरा? नेट गया तो बात कैसे कर रहा हूँ? स्ट्रीम तो लाइव हो गई है, स्ट्रीम आ करके नोबा देखो। भैया जानकारी लेने आए हैं। हाँ उनको बोलो कि स्ट्रीम हो गई है चालू। चालू हो गया उनका, देखो जाकर। भाई अरे ए, बाहर आओ ना उसके। तुम्हारे लिए वेट कर रहा था भाई। मैं तो आया हुआ हूँ, कब का बाहर आया हुआ हूँ मैं तो। अरे यार ये OBS नहीं ले पा रहा भाई, लोड नहीं ले पा रहा OBS। अरे बच्चे अगर मेरे स्ट्रीम में आ रहे हो हेडफोन लगा के आया करो, ऐसे गाली लगल चलता है अलग, ऊपर से पीछे टिप टिप बरसा पानी चल रहा है। अबे तो तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, तुम अपना मोनेटाइजेशन कैसे ऑन करवाओगे?
छोड़ो ना पे। म्यूजिक कॉपीराइट है भाई, बात में हटवा लेंगे उसको। जो म्यूजिक सुनना है भाई, ये देखो ये कौन किया, साला खुद ठोकता है। अगर तुमको स्ट्रीट रेसिंग जीतना है तो ठोकरा आना चाहिए। ओहो ओहो पता था ये वाला, पता था मुझे। बहुत गंदा चुका हूँ, मतलब गंदा तो नहीं चुका, इतना हल्का सा चुका है। उधर लास्ट में ब्रेक मार दिया उसने। उसे मैं कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया वाले भी कर रहा था, जो देख के गए थे उसी में कर रहा था। मोनजा में क्या मतलब क्या बेनिफिट है? मुझे स्ट्रेट से ज्यादा वैसे कॉर्नर्स पसंद है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाला भी अच्छा ही था, बैलेंस्ड है। बारिन वाला कैसा है? बारिन वाला भी हाई स्पीड है और पीछे अगर कैटरीना का एक इमेजिन करते रहो ना, तो तुम और तुम्हारा गाड़ी दोनों फास्ट चलते हैं। ये 18 प्लस नहीं था, ठीक है, मैंने इमेजिन बोला है, कैसे इमेजिन वो नहीं बोला है। अभी कर दिया ना तुमने, कैसा भाई, मैंने बोला कैसा इमेजिन है। पता है सेम जैसे पिछली बार जो गली में टूटा था ना, सेम होता है उसका भाई। बहुत दिन बाद खेल रहे हो ना, हो जाता है। रीति से हार रहे हो डस्ट्रा, शरम आ रहा है कि नहीं? रीति से हार रहे हो, शरम नहीं आ रहा? रीति सैनन नहीं लिखा था ना? चलो समझ लो कि रीति सैनन नहीं है, कोई और है। अब जीत के देखो, ठीक है, नेक्स्ट मैच जीत लिया। अरे वो तो गलती से, अरे अक्षत कहाँ है यार, बिजी है शायद हॉस्पिटल में। वो शॉर्टकट ले क्यों रहे हो, ऐसा रूल है अगर शॉर्टकट से पहले वाला नहीं है, टर्न आता है OS।
समझा समझा। वहां पर हाँ है और सेकंड वाले कॉर्नर के एग्जिट पर सीधा दीवार पर, जैसे पहले टूटा था ना वैसे से। 25 सीओसी खेलते हो अभी भी भैया? नहीं यार नहीं खेलता। अरे वो एज ऑफ एम्पायर खेले क्या एक दिन? क्या है वो सीओसी का पीसी वर्सन, लेकिन जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसमें अपग्रेड्स नहीं होते, मतलब अपग्रेड्स होते हैं बट तुरंत तुरंत होते हैं, 3 घंटे में एक गेम हो जाएगा। देखते हैं बात। इससे बेटर मुझे राइज ऑफ नेशन लगता है बट सिक्स देखे हो ना उसी टाइप का है क्या? सिविलाइजेशन सिक्स देखे हो ना? क्या देखे हो भाई, वो क्लैश ऑफ क्लैंस ही देखे हो क्या जिंदगी? सिविलाइजेशन देखे होंगे भाई, और डिस्ट्रॉयर कृति के पीछे रहते हुए। नहीं फक और डिस्ट्रॉयर फिर भी कृति के पीछे रहते हुए। बहुत बेकार शॉर्टकट है वो मत लिया करो। मैं पिछला कल लेके क्या बोल रहा भाई, कल वो शॉर्टकट ले लेके भाई, ये क्या गंदा मैप लगा दिया तुमने, क्या बोले मत लगाया तुमको, टर्निंग से प्रॉब्लम है क्या? हां जो ओपनिंग का था है जिंदगी में कितने टर्न्स आएंगे, छोटे से टर्न से दिक्कत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, क्या हो गया?
मुझे 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 टर्निंग वालों से प्यार है। लो वाले में तो मजा है भाई, ब्रेकिंग का असली मजा। नहीं हो रहा क्या डेस्ट्रो? जीत गए अमर, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लिंक नहीं है, प्रोफाइल नेम दिया हुआ है, पर सर्च कर लोगे तो नाम से वही बंदा मिलेगा क्या? अबे ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना बंदे, तुम समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ तो भाई तुम करेक्शन कर रहे हो तो समझ नहीं रहे हो क्या? इसीलिए तो करेक्शन करना पड़ा है, मैं समझा। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह कि मेरे चैट में चल रहा है नहीं हो रहा क्या डिस्ट्रो? कोने कोने कल मेरे से थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा था, आज डिस्ट्रो से एकदम नहीं हो रहा है भाई। इतना दूर हो भाई, जस्ट एकदम पॉइंट मिली सेकंड कुछ रह गए होंगे तब खत्म किया। भाई वो गद्दा सा सर्किट वापस मत लगाना भाई, भाई जिंदगी वाले तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, गेम के टर्न से दिक्कत है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो मेरे बंदे सही बोल रहे हैं, क्या क्रैश बोल रहा है? एक्सपर्ट ये हरकुलिस ना आके ना मजे लेता है बीच बीच में खाली। वो कहता है, नोवा मास्टर कह रहा था, जिंदगी वाले टर्न से कोई दिक्कत नहीं है, गेम के टर्न से दिक्कत है सर। अरे भाई गेमर्स के लिए गेम और जिंदगी में कोई डिफरेंस नहीं है सर, अगर गेम के टर्न में अच्छा नहीं करोगे तो जिंदगी के टर्न में भी अच्छा नहीं कर पाओगे, गेम सिखाता है तुमको। आईजीआई खेला है ना तुमने? तू नहीं खेले? वाह भाई तुम काम भाई, करो मुझे मुझे पीसी बहुत बार भाई। प्रोजेक्ट आईजीआई मतलब आईजीआई वन था, तुम अगर वन खेल सकते हो तो टू क्यों नहीं? काम करो तुम, कल जाके पहले आईजीआई टू खेलो। वह जब रात में खेलो भाई, जब कुछ और खेलो तब तो आईजे खेलो, देखता हूँ तुम कितना जल्दी खत्म कर पाते हो। पीछे गाना क्या चल रहा है पता है? आई एम अ राइडर प्रोवाइडर। अच्छा भाई गाने के साथ गेम रेसिंग गेम का वाइब है। वाइब तो है भाई। और इसीलिए मुझे यूट्यूब से ज्यादा थर्ड पार्टी वाला ज्यादा पसंद है, कॉपीराइट नहीं आता। फेसबुक में भाई कॉपीराइट दे देते हैं। सलमेट
अच्छा है वो वैसे, बट बकचोद है फ्लैट। अभी ये गाड़ी का ऑफ रोड हाँ पता है, ये पूरा स्ट्रीट के लिए है। जैसे तुम स्ट्रीट से हल्का सा उतर जाओ ना गाड़ी का, कहाँ रह गया भाई, कहाँ ठोके? शॉर्टकट से जस्ट पहले। अबे यार तुम शॉर्टकट मत लो भाई, तुम्हारा टर्निंग वीक है। और ये कृति आगे बढ़ते हुए डिस्ट्रॉयर से नहीं हो रहा, मेरा दिन थोड़ा ज्यादा ही अच्छा जा रहा है। नहीं बाद में मैंने जीता भी, तब तक जाने के बाद तब तक तो हो गया था लाइक, तब तक तीन ही मैच हुआ था भाई, चार हुआ था और मैं चारों जीता। चलो ठीक है, आज आज कितना बार हम मैं कितना जीता, चार में तीन जीते। चलो चलो बहुत टाइम है, मैंने माइक का इनपुट एक्चुअली कम रखा हुआ है, मैं बढ़ाता हूँ। गाना रिपीट कैसे हो गया? ठीक है अभी मेरी वॉल्यूम कहाँ पे? अबे स्ट्रीम पर हॉस्पिटल स्विचबैक। अबे ये पिछला ही सर्किट है जो उल्टा चलेगा अभी। नहीं ये वो नहीं था, वो कुछ और था, मुझे तो वही लगता है। चलो देख लेते हैं, याद 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 रखना फिर नाम। नहीं बे वो कुछ और था, बे वो अलग था, मैं क्या कहा ये पिछला वाला सर्किट अलग है। हाँ तो होने दो स्ट्रीम सेटअप रिपीट, तो रिपीट बाकी लोग भी कर लेंगे। अबे कहीं से भी आ जाता है ये। देखा मैंने बोला था ना ये पिछला वाला सर्किट है लेकिन उल्टा है। अबे ये क्या हुआ? तो मुझे उल्टा भेज दिया इसने। तो ये क्या था? चलो इतनी मस्त लीड ली थी भाई, क्या चीटिंग है भाई ये। हद है भाई हद है।
एकदम परफेक्ट लैप लिया था पिछला मैंने। शॉर्टकट नहीं लिए डैश शॉर्ट हमेशा नहीं ले, कभी कभी ले लेता। भाई कुछ भी हो रहा है यार, वापस से मेरी पोजीशन चेंज हुई थी रेस में। अरे यार ये तो मैं हार गया। पीसी क्रैश, स्ट्रीम भी ब्लैकआउट हुआ। पीसी कैसे क्रैश हुआ भाई, स्ट्रीम कहाँ ब्लैकआउट हुआ? टाइम स्टैम्प देना, क्या हुआ? पता नहीं वहाँ लिखा था स्ट्रीम। हाँ ये यही पोर्शन तो था। नहीं, स्ट्रीम पीसी क्रैश नहीं हुआ भाई। पीसी क्रैश हुआ होता तो सारा सेटअप जाता ना, कुछ नहीं हुआ, गेम की दिक्कत थी वो। उसके बाद रोडी आया और चला गया भाई। कौन ये कौन सा है रे? नो आइडिया। हाँ
कहाँ ठोक दिया तुम्हारी देन है सब। हाँ भाई देखो स्ट्रीम आके देखो तुम्हें पता चले भाई मैं वहां जा रहा हूँ लेफ्ट मार के फिर राइट लेता है वो तो ट्रिक है भाई। हाँ तो बस वही तो कहा तुम्हारी देन है सब और क्या बोला मैंने माइंड गेम खेल नहीं पा रहे हो भाई बोल रहे हो मेरा देन है always confuse your enemy by your next move pretend you are a stupid इधर इंडिकेटर ऑप्शन होता तो मैं लेफ्ट इंडिकेटर दिखा के राइट चला जाता है नहीं बच गए अबे ये पहला सर्किट देखा जिसका स्टार्ट और एंड अलग अलग है। वेलकम टू एनएफएस गेम ऑफ इनोवेशन। तो वो सर्किट कैसा हुआ जिन ये की मर्जी लेकिन ये गाड़ी ड्रिफ्ट मस्त करती है वे आर डैश हाँ भाई ड्रिफ्ट मस्त करती है गाड़ी भाई डैश का कॉर्नर कंट्रोल सेक्सी इसलिए है क्योंकि वो ये गेम का प्रो है। हाँ भाई ठीक है भाई अबे क्या सही तो बोला मैंने गलत कहाँ बोला टूर्नामेंट जीते हो ना इसमें भाई तब मैं सेवेंथ में पढ़ता था। हाँ तो सही है ना क्या लिख रहे हो भाई हरक्यूलिस तुम्हें खुद को ही समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हो क्या नहीं पीसी क्रैश स्ट्रीम भी ब्लैकआउट पहले तुमने यहाँ पर लिखा हुआ है फिर बाद में कह रहे हो नहीं हुआ क्या बे खुद ही कंफ्यूज हो थोड़ा स्प्रिंट चलता है। हाँ अरे वो वाला भी तो होता था जिसमें तुम तो मैन्युअली वो करते थे क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन हाँ ट्रांसमिशन अरे मेरे को नहीं जमता वो मतलब मस्त है वो भी जमता है बट अब मजा आता था
अबे यार ये पता कौन सा मैप है, मैं समझ गया। जो मैं तुम्हें लगाने से मना किया था उसका उल्टा। ड्रिफ्ट देखी मेरी गाड़ी, चलना भूल गई थी ज्यादा ही ड्रिफ्ट हो गया। बहुत ज्यादा। एक मिनट रुकना, मुझे एक सेटिंग चेंज करनी है गेम की। ओवर ब्राइट ऑफ करना है। यहाँ पे मतलब गेम के बीच में रुकना है? नहीं, मतलब गेम जब खत्म होगी तो मैं एग्जिट करूंगा लॉबी, फिर वापस आऊंगा। गया फक। पाख पे क्या था वो जो कल हुआ था तुम्हारे साथ? लिटरली हाँ लिटरली भाई। अबे वो ना पता, टर्निंग के एकदम बीच में तुम वहां पर ड्रिफ्ट कर रहे होते हो और वहां पर वो आ जाता है कॉर्नर पर, वो टूट ही जाता है। बहुत एकदम हाई प्रिसीशन चाहिए तब तुम उसको अवॉइड कर सकते हो। अस्ता अवॉइड किया, फंसा नहीं बट स्लो हो गया। अरे यार शॉर्टकट के चक्कर में पूरा आ जाएगा, निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा ये। पाक पे थोड़ा रह गया। थोड़े से रह गए भाई, थोड़े जैसे एकदम ही। मैं भूल गया कि ये स्प्रिंट है, मैं वो क्या कहते हैं सर्किट समझ के घूम रहा था। जा बाहर जाओ। हाँ एक मिनट रुक जाओ, मुझे एक ओवर ब्राइट करके सेटिंग है वो ऑफ करनी है। अबे गेम क्रैश पे, सही है भाई। रूम वापस क्रिएट करना। किया मैंने ड्रॉ करना था क्या? वो कुछ नहीं। कितना बज रहा है? 12, 12:15 ही हुए अब तो। अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो कृति नहीं रह सकता, अब क्या रखे? क्या नाम रखूं? अपना ही नाम रख देता हूँ। डैश ही रख लो भाई, और क्या नाम रखते हैं?
सोच रहा था कुछ ऊट पटांग रखने का। टिन टिन टिडी टिडी मैं करियर नहीं खेलता अपने को। अबे रुक जाओ, सेटिंग तो की नहीं। वाह मैं गेम ही क्रैश हो गई क्या? वाह अभी शायद सही हो। मेरी ना आंखें दर्द होने लग गई थी। अबे वो ना एक सेटिंग है वो ऑन हो जाती है। क्या स्प्रिंट या सर्किट क्या है? सर्किट भाई गाड़ी सेलेक्ट करनी है। चलो चलो कौन सा लगाए हो? सर्कल रोज। तुझसे ही नाराज हूँ मैं। भाई कितनी बार लगाओगे भाई ये सर्किट? इसमें लिमिटेड है भाई। हाईवे वाला एक ही बार लगाए अब तक? वो स्प्रिंट था। नहीं, वो वाला नहीं। सर्किट में भी एक लगाए थे ना यार, दूसरी मुझे या नाम ही तीसरी। याद नहीं है। लोगो ट्राई इंटरचेंज, कर। इंटरचेंज कुछ नाम होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वही लगा। कहाँ ठोके इस बार? कहाँ ठोका इस बार? वो पार्किंग के पास। वाह इसमें भी हाईवे है वैसे। बहुत छोटा है भाई इसका हाईवे, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। भाई गली ले जा के बंद ठोका है, ठोकने की स्पेशल जगह बनाई है उन्होंने वहां पर, और मैं वहीं जा के ठोक के आया हूँ। लेकिन किस जमाने में, 2005 की गेम है और ये ग्राफिक्स थे उसमें। बहुत एडवांस था भाई टाइम, इसीलिए तो आज तक चलती है भाई। और
ओपन वर्ल्ड शायद पहली गेम आई थी ना रेसिंग में, ये हाँ अब भी शायद नहीं है ओपन वर्ल्ड गेम्स, अब भी सिर्फ नीड फॉर स्पीड की आती हाँ, है ना, और कोई ओपन वर्ल्ड गेम है ही नहीं। फोर्ज़ा का आइडिया नहीं है, फोर्ज़ा है सर। भाई अगली बार कार चेंज करेंगे भाई, क्यों बहुत ड्रिफ्ट मारती है ये, कौन सा लेना है ढूंढना पड़ेगा कोई। अबे इसका ये C6R है ना, C6 लेंगे खाली, उसकी टॉप स्पीड कम है लेकिन उसकी हैंडलिंग बेस्ट है। जो पिकअप है ना भाई, अरे उसी के कारण एक्स्ट्रा वो ड्रिफ्ट मारती है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल होगा नहीं तो व्हील स्पिन इतने हो जाते हैं ना कि गाड़ी वहीं पर घूमने लग जाती है। मेरे से तो बराबर चलता है भाई। भाई तुम प्रो हो ना, मैं नहीं हूँ, कब बनोगे? नहीं बनना है, मैं F1 में प्रो ठीक हूँ, इस पे नहीं बनना है। चलो F1 में भी तुमको हराऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? चलो चलो देखते हैं, ठीक है चलो। अरे टाइम चाहिए उसके लिए, रातों रात नहीं होता, इसमें भी रातों रात थोड़ी ना हो गया। लोगों को परफॉर्मेंस दिखता है, सक्सेस नहीं दिखता, मतलब मेहनत नहीं दिखता। हाँ वेरी गुड, क्या बोले हो। को आए जो भी तुम आई वाला कह रहे हो, लगा तो इंटरचेंज आयरन वुड एस्टेट है, उसका नाम आयरन हॉर्स है, कैंपस इंटरचेंज। हाँ हाँ मिल गया, कैंपस इंटरचेंज। C6 कर लेना ठीक है, C6R नहीं C6। यार उतना भी फर्क नहीं था, कितना 15 सेकंड होंगे ना। हाँ 15 सेकंड। कर लिया। पंद्रह सेकंड इज फाइन आई गेस कि ये मतलब रेस हार निकले है ना। हाँ ठीक है, 15 सेकंड तो भाई। F1 में तो 15 सेकंड बहुत हो जाते हैं, बट स्ट्रीट रेसिंग में 15 सेकंड इज फाइन। अबे साले गाड़ी चेंज करने बोला था। C6 ही लेकर आऊं भाई, स्ट्रीम जाके देख लो। नहीं भाई तुमने बोल दिया तो यकीन है। वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अबे अक्षत को लाओ बे, साला मेरा लकी चाम था वो। तुम्हारा लाखी चाम नहीं, मेरा मनोज चाम था। ओए क्या करते हो बे भाई, टोक दिया भाई मैंने। उस तुम्हारे कारण मैं देखो कहाँ फंस गया हूँ। फंस क्यों जाते हो, मुझे ये समझ नहीं आता। हाँ तो इतना बुरा आके ठोकते हो तुम, साला मैं तुम्हें स्टेबलाइज कर दिया और मैं जाके ठुक गया वहां पर। इतना वाहियात ड्राइवर ना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। थैंक यू, वेलकम टू स्ट्रीट रेसिंग। मैं F1 में ही खुश हूँ भाई। दिस इज रियल थिंग, दिस इज नॉट रियल थिंग। दिस इज व्हेन हबीबी पुलिस नॉट देयर, पुलिस देयर देन F1, पुलिस नॉट देयर देन स्ट्रीट रेसिंग। माई एवरी टाइम F1। हमारे F4 में ट्रैक के ऊपर बारिश नहीं होता, होता है भाई बिल्कुल होता है, और जब बहुत मजा होता तो करता। जब होता है ना तो पूरे टायर्स वायर चेंज करने पड़ जाते हैं। जो बारिश वाला ट्रैक बहुत पसंद है।
विक्रम है ये। पहले तुम जो ठोके हो ना बहुत बुरा। अच्छा तुम भी यहाँ पर ठोके क्या? मैं भी ठोका। थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, वो एग्जिट पे नहीं, वो जियो वाला पोस्ट ना मैं डालता नहीं उसमें फेसबुक और इंस्टा में, लेकिन साला दिखाना था कुछ किसी को। हाँ किसको क्या दिखाना था? भाई मेरा ओहदा क्या है, किसी किसको को दिखाना दिखाना था? है, जानते तो हो। बता दो स्ट्रीम पे, सबको पता चल जाएगा। छोड़ो ना, तुमको तो पता है ना, उतना ही काफी है। फाक पे ये नीचे वाला ट्रैक क्या बेकार है, सबको पता, चलने की जरूरत नहीं है भाई। सबको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होना चाहिए, वीक नहीं। वीक बस एक दो जन के लिए ठीक है, अब सबको पता है और तुमको पता है बस। लिटरली मैं वहां से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, कहाँ से वही उससे। अरे होता है भाई? मेरा भी वैसा ही है, क्या कर सकते हैं। मतलब गेटिंग ओवर इट हो नहीं रहा, हाँ हो नहीं रहा, मटका वहीं आके फंस जाता है वापस तुम्हारा इंटरेक्शन तो है एटलीस्ट, मेरा भाई। चीज मतलब और नहीं भी है, उल्टा क्रिटिकल नहीं है। है, नहीं है तो अच्छा है बे, पता है मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं है तो अच्छा है। प्रॉब्लम पता है क्या है, मुझे लूजर टाइप लगता है, मतलब वो मेरा सारा पोस्ट देखती है, एवरीथिंग शी सीज लाइक एवरीथिंग, बट मतलब कोई इंटरेक्ट नहीं करती, और मैं साला उसके पोस्ट में जा जाके लाइक कमेंट करता मत रहता हूँ, करो ना, कमेंट नहीं छोड़ करता, दो। वही तो नहीं हो रहा। कमेंट नहीं करता हूँ, व्हाट चले 2 ही लैप लगाए तुम। द फक। हाँ और बड़ा था, चलो क्या यार, ठीक है, चलो भाई 5 लैप लगा दूंगा, 5 लैप। 5 नहीं 6 कर एक देता मिनट हूँ। एक मिनट, कॉल आ रहा है। हाँ श्वेत, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, बोल। सोया है और भाई मेरा पीआर भी नहीं है। चल रुक, मैं आया, रुक जा रुक जा, मैं 10 मिनट में आया, रुक जा। 10 मिनट नहीं, मैं अभी आता हूँ, मैं स्ट्रीम पर पीआर भी लगा के आया, 2 मिनट रुक जा। क्या हो गया, एक मिनट में आया, थोड़ा सा काम है। लॉबी क्लोज करता हूँ। हाँ लॉबी क्लोज कर दो। ओए तू सोया नहीं है? सोया नहीं है? ऊपर उनको लॉक करके आ जाना, उनका दरवाजा लॉक करके आ जा खाली। चल छोड़, मैं जाके आया। अरे वो लोग उधर ही हैं।
आ गया आ गया आ गया। हेलो आ गया। बैटलफील्ड मोबाइल प्री रजिस्टर कर लो बैटलफील्ड मोबाइल। अच्छा मोबाइल कर रूम क्रिएट करना। लिया। बैटलफील्ड मोबाइल। अबे उसका क्या हुआ अपना? अबे पहले से किया हुआ है बे। ग्राफिक्स तो मस्त है, कॉर्डन जैसा ही है भाई। इंटरफेस तो पूरा कॉर्डन जैसा बनाया है उन्होंने। आ जाओ आ रहा हूँ। अबे यार, अबे लैन में ना वो वाली कार अवेलेबल होनी चाहिए थी, BMW। है तो भाई BMW M3 GTR कहाँ है? बोनस में क्यों नहीं दिखती हमें? वो लेना है क्या? ट्राई करते ना वो लेके। ले बोनस नहीं है भाई, कहाँ है? M3 GTR है लेकिन वो, बोनस में अरे वो फुली अपग्रेडेड वाली नहीं है ना। तो क्या कर तुम ले रहे हो कि नहीं? मैंने वो लिया हुआ है। कॉर्वेट C6 ही ले लो। या चलो ठीक है, तुमने ले लिया ना, ठीक है मैं भी ले लेता हूँ। चलो M3 GTR। बहुत बकवास है भाई। हाँ भाई स्टॉक है एकदम। वो अपग्रेडेड है इसलिए वो मजा आता है वो वाली में। ये अपग्रेडेड नहीं है। अपग्रेड वाला भी चूतिया है, नहीं भाई वो अच्छी है। उसका हैंडलिंग अच्छा है बस। हाँ भाई, तो रेसिंग में हैंडलिंग ही तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। नहीं यही तो गलत करती हो। हैंडलिंग तुम्हारे हाथ में है, ऐसे नहीं गाड़ी के होता। हाथ में है इंजन, लाइक उसका स्पीड। पहले क्या स्लो है भाई गाड़ी। थ्री हंड्रेड होगा इससे ट्राई हो जाएगा? कर। नहीं होगा, मुश्किल है। वो 80 में तो रो रहा है ये। 293 मैंने हाईएस्ट। वो 96 एंड जो पहुंचेगा नहीं नहीं पहुंचेगा भाई, नहीं पहुंचेगा ये। पहुंचेगा पहुंचेगा, एक स्ट्रेट मिल जाए पहुंचेगा। विदाउट अरे लेकिन उसके लिए वो लगेगा ना नाइट्रो, विदाउट नाइट्रो जाना है। नाइट्रो नहीं जाएगा भाई। थ्री टू 320 पहुंच गए। हाँ विद नाइट्रो था, मैं वही बोला ना, विदाउट नाइट्रो नहीं जाएगी 300। इंजन ही नहीं है, इंजन ऑलरेडी रो रहा है, देखो ना उसकी आवाज़, इंजन की सुनी है? 200 पर इसका इंजन हाफ रहा है। ये 180 वाला प्रो है।
हक दिया भाई। अबे 8 लैप इसके क्यों लगाए हैं? से हाई रोड था वो वाले मैप पर लगाते ना 8 लैप, उस पे मजा आता है। मैं भी करूंगा। भाई ऐसे ट्रैक्स में आती है ना पूरी सर्किट वाली थी। ये अंडर टू इसका 320 कैसे पहुंचा था भाई? कैसे खींचा था मुझे ही पता है। 302 पे जाके स्टिक कर गया वो नाइट्रो, एकदम छोड़ा था तब जाके वो गया था। मतलब वो एकदम बेस्ट एपिक मोमेंट था, वैसा था वो। मैं वापस ट्राई किया नहीं हुआ सेम चीज पर। एक बार एक्सेलरेटर छोड़ो 220 तक आ रहा है। क्या हुआ? What the fuck? ओए क्या हुआ बोलो मत, इंटरनेट गया तुम्हारा? अबे गया गया भाई, बनाते हैं वापस। यो भाई व्हाट्स अप, अक्षत आ जा डिस्कॉर्ड पर आ जा। अच्छा मैं चैट ही नहीं पढ़ रहा हूँ, वाह। रुक जाओ। भाई आरटी जीटीएक्स का भी अपडेट आया हुआ है। भाई अंडरग्राउंड भी खेल रहे लोग भाई। ये अक्षत और सब बेबी आ जाओ। फीफा क्या चलती है भाई? 9 10 11 7 7 एज ऑफ एम्पायर देखो नाइन भाई, टेन इलेवन नहीं, मेरे में फीफा ही दिखा रहा है। एज ऑफ एम्पायर एज ऑफ ऊपर देखो, ए में ऑल देखो, गेम, रुको ऑल गेम्स किया। हाँ एज ऑफ एम्पायर्स, देखा? बैटल फील्ड भी दो है, बॉर्डरलैंड्स है, अरे कॉडम, कॉडम फोर, कॉडम कह रहा हूँ, वो कॉड फोर। मॉडर्न सिविलाइजेशन भी वॉरफेयर है भाई, सिविलाइजेशन के भी चल रहे हैं कुछ। कमांड, कमांड एंड कॉन्कर जनरल्स रूम में जॉइन करो। कर रहा हूँ मैं, पढ़ रहा हूँ रुको। फीफा भी कितने हीरोज, सही है भाई। पासवर्ड क्या है बे? सेम ही है भाई। क्या है? KRITI, हाँ भाई मैंने पहले कीर्ति डाल दिया था, कृति की जगह कीर्ति डाल दिया था मैंने। अबे कल ना अपडेट आया एंड्रॉइड 13 का, मतलब कोई होगा उनका इंक्रीमेंटल अपडेट। साला फिंगरप्रिंट सेंसर ही स्लो हो गया अनलॉक, मतलब इतना अब वो स्लो हो गया स्टेट कनेक्ट ट्रैफिक कंट्रोल। ना गुस्सा आता है ना। आजा डिस्कॉर्ड, ये गेम ज्वाइन क्यों नहीं हुई? हाँ हुई। आ जाओ। GGWP इस बार गाड़ी बदलते। अबे भाई वो इंटरचेंज लगाना। हाँ कैंपस इंटरचेंज, कौन सी गाड़ी लगानी है इस बार? बोनस में फॉरवर्ड क्या? से सिक्स नहीं, रुक जाओ। वो तो खेली ना लूट, रोटा जिला चलो। चलो वो डिसेंट लग रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है बट हैंडलिंग अच्छी है उसकी, तो मज़ा आएगा। आज कौन जीत रहा है वैसे? आज डैश जीत रहा है।
तो मेरे सामने वार्म अप किया था। कोई नहीं, अब अक्षत आ गया ना, अब मैं जीतूंगा। अरे लकी लकी चाम हूँ भाई। चाव है भाई, लकी चाव। तेरी आवाज इतनी दबी दबी सी क्यों आ रही है? साला पिकअप ही नहीं है गाड़ी का बे। पिकअप तुम्हारे अंदर होना चाहिए, गाड़ी के अंदर नहीं भाई, वो कभी और सच चलता है। अक्षत नहीं समझ में आ रहा मुझे ना, सिर्फ बेस आ रहे तेरी आवाज में से। अरे अरे एक्चुअली मैं फोन से आया, मेरा सब कुछ नोएडा में पड़ा है, मैं डिलीवरी होगी भाई। क्या हैंडलिंग है इसकी, पार्ड हैंडलिंग। ऐसे लग रहा है स्ट्रीट कार में F1 वाली वो लगा दी है, ट्रैक्शन कंट्रोल। भाई ये तो खींच रहा है वे। ये खींचेगी तीन सौ सत्रह हक दिया। मैं 323 तक गया था। अरे फोन से आया था तो ईयरफोन लगा लेना, ईयरफोन तो होगा। बहुत सेंसिटिव है ये। डैश तुम्हें ये गाड़ी में मजा आ रहा होगा ना भाई, बहुत ज्यादा। मुझे लगा ही था ये तुम्हारी वाली गाड़ी है। क्यों ब्रिटल, इसे ना ब्रिटल हैंडलिंग कहते हैं, मुझे लगा ही था तुम्हें ये पसंद होगी। मतलब क्या स्पेशल क्या एकदम है? देखो दो तीन टाइप की हैंडलिंग होती है, एक जिसका फ्रंट बहुत शार्प होता है कि तुम थोड़ा सा डालोगे और एकदम से गाड़ी घूम जाएगी। तीसरा होता है लेजी, दूसरा होता है लेजी जिसमें तुम्हें ज़्यादा मोड़नी पड़ती है और वो फिर मुड़ती है। ये ज़्यादातर हैवी कार्स में होता है, ठीक है, SUV वगैरह में। और तीसरी होता है बैलेंस, ये वाली जो है ना ये एकदम ब्रिटल है, मतलब हल्का सा भी करोगे ना तो ये गाड़ी का फ्रंट घूम जाता है। और मुझे पसंद आती है सेकेंड वाली, लेजी जिसे कहते हैं, कि एकदम लेट रिस्पॉन्ड करती है गाड़ी। मुझे वाला बहुत अच्छा लग रहा है। देखा मैंने कहा ना तुम्हें पसंद आई होगी। छोड़ो भाई, अभी तो टारगेट थार या हैरियर में से कुछ उठाना है 4 साल के अंदर। थार मजा नहीं है भाई, नई वाली थार में। हैरियर ले लूंगा फिर, हैरियर कैसा होगा? हाँ हैरियर अच्छी है, थार सही नहीं है भाई। अक्षत रुक मैं चैट पढ़ता हूँ। अबे यार ये 8 लैप की है, इसमें तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। दोनों के चैनल्स पे सेम लाइक। अरे वाह देखा क्या बैलेंस्ड है। कार में दिक्कत क्या है? वाइब तो है, मतलब मजा नहीं है यार वो। लाइक मतलब दिक्कत क्या है वही पूछ रहा हूँ। फील नहीं है बे, उससे अच्छा बोलेरो एन बोलेरो स्कॉर्पियो एन वो है। क्यों पिकअप पावर जो पहले थार में थी ना ओरिजिनल, वैसा मजा नहीं है, वैसी पिकअप नहीं है और वैसा फील। गुरखा कैसा है? गुरखा अच्छी है, रिच से भी अच्छा है। हाँ ठोका मैंने, हैरियर से भी अच्छा है पता भाई, हैरियर और गुरखा अलग अलग कैटेगरी में आती है है पता तो। है। अब क्या हो गया भाई यार, तुम्हारा गया क्या? नहीं मेरा तो चल रहा है। ओ मैंने पॉज
मैं पॉज मैंने दबा दिया था, कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत पीछे हूँ, टेंशन मत लो। काफी ज्यादा ही पीछे हो क्योंकि मेरे से ये गाड़ी की हैंडलिंग नहीं हो रही है। चलो गाड़ी बदल ले। नहीं हम मैप मस्त है, सच में ये मैप मस्त है। हाँ वो तो है, इमरजेंसी में आए, बट मुझे लगा था शायद ईयरफोन्स लेके आए होंगे, हेडफोन्स नहीं ईयरफोन्स वगैरह टाइप, तो इसलिए मैंने कहा। क्योंकि मेरे तो एक मेरा बैग है जो है, मतलब कहीं भी इमरजेंसी में भी जाऊँ कैसे भी जाऊँ वो बैग मैं साथ लेके जाता हूँ, तो उसमें सब रहता है। एक पेयर ऑफ ईयरफोन्स है, उसमें चार्जर भी है मेरा, और क्या क्या लगता है, डीओ है, फेस वॉश है, ये सब रहता है। एक बात बोलो, स्टाइल मारने के लिए थार बेटर है ना? हाँ बट बस वही चाहिए भाई, स्टाइल मारने के लिए भी हैरियर अच्छी है भाई। क्या दिखती है वो, इतनी गाड़ी इतनी बड़ी लगती है ना, जितनी है नहीं, उसके लुक्स एंड ऑल इतने मस्त है ना। हैरियर अच्छा है कि नया वाला सफारी अच्छा है? नया सफारी देखा नहीं मैंने भाई, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मैंने हैरियर देखा है, हैरियर बहुत है। अपने मंदिर के सामने दोनों आता है। अबे तुम मेरा वो रूम का पूछे? पूछा रे, बोला तो तुमको फुल है वो। दूसरा वाला तुम बोले थे, दूसरा वाला भूल गया, फिट गर्ल को थार मस्त लगेगी। छोड़ ना भाई, वो साइकिल डिजर्व करती है, थार नहीं। उसका बॉयफ्रेंड उसको साइकिल के पीछे लेके घूमेगी। अबे कहां पर लिख रहा है भाई, भाई। अरे यार क्या हल्का सा टच हुआ सिर, पूरी गाड़ी घूम गई। गाड़ी नहीं देखा है, अक्षत के मामू के पास फरारी है। सच में? हाँ भाई, फोटो दिया था उसने भाई। इतना पैसा है, कौन सी फरारी है बे? वे मेरे चैनल पर भी लिखते हैं, उससे ज्यादा अच्छी तरह से चैट मैं पढ़ता हूँ। उस पर जाके बोल, उसको ज्यादा नॉलेज है भाई। मुझे नहीं चाहिए ये गाड़ी, हट पे। तो थोड़ा सा छूती है दीवार को और घूम जाती है, और 8 लैप में मुझे लगता है तुम पूरा घूम के आ जाओगे। फरारी थी मतलब। अच्छा अब कौन सी है? अबे कलर नहीं बे, मैं मॉडल पूछा, कलर आके लिख रहा है ब्लू कलर की। ठीक भेजा देख भाई, मैं अभी वैसे भी जीत तो रहा नहीं हूँ, देख तो सकता ही हूँ। इतनी लल्लू गाड़ी है ना भाई, मतलब क्या ही मैं बोलूँ। थोड़ा सा इसको छू दो और ये मुड़ जाएगी। ऐसी रेडबुल की भी कार है F1, इतनी है ना, हल्का सा उसको छू दो आगे से घूम जाती है पूरी। ए तुम आज कौन सी गाड़ी लेकर खेल रहे थे, एस्टन मार्टिन? फरारी। फरारी। और ड्राइवर कौन सा लिया था, शार्लक लव? याद नहीं पड़ रहा। अच्छा 2020 है ना, उसमें तो सेबेस्टियन वेटल भी होगा। हाँ वेटल था, तो उसको लेकर खेल रहे थे, उसका प्राइस ज्यादा था। मैंने गाड़ी पे फूंक दिया। अबे वो तो अच्छा, माय टीम की बात कर रहे हैं ना? हाँ तो उसमें तो इंजन लिया होगा ना तुमने फरारी का? नहीं गाड़ी लिया था पूरा, लाइक आइडिया नहीं है, कुछ तो था। फरारी अच्छा लगा, परफॉर्मेंस वगैरह उठा लिया। ऑन स्ट्रीम रिव्यू
करते हैं भाई, करते हैं। F1 नहीं करते भाई, F1 का ना यार वो ऐसा है कि थोड़ा सेटअप ट्रिकी था, बहुत टेक्निकल था, तो अपने पास उतना टाइम नहीं था, और वो वाला था, क्या कहते हैं उसको, ट्रायल एंड एरर वाला मेथड वहाँ पर होने वाला था कि ये चीज़ करके देखें तो होगा, वो चीज़ करके देखें तो होगा, तो इसलिए फिर किया नहीं। अभी करेंगे F1 प्रॉबली, कल शायद F1 ही खेले हम। अबे यार ये देखो फिर घूम गई, डैश की एनर्जी लो है रात को, बोलो डोज ले। कहाँ लो है भाई, वो ऐसे ही कह रहे तुम्हारी एनर्जी लो है। अरे फिटगर्ल नहीं मिल रही ना उसको भाई, रूम में कोई और भी है। हाँ तो तुम तो हेडफोन्स पहन के खेल रहे होगे ना, मेरा जो आवाज है वो तो हेडफोन नहीं पहना है ना। अच्छा वैसे हाँ तो क्या हुआ, स्ट्रीमर हो भाई, फ्रीडम सारी। हाँ हाँ वो देखा मैंने ग्रुप में, अक्षर वो मैंने प्री रजिस्टर करा हुआ है उसका। भाई 4000 मीटर मतलब समझते हो, 4 किलोमीटर में पीछे हूँ डैश से, इतनी टट्टी गाड़ी है मेरे पास, और ये डैश के लिए एकदम परफेक्ट है ना डैश। हाँ भाई रब ने बना दी जोड़ी वाला हिसाब है डैश और इसका। आधा पीछे नहीं हो बहुत ज्यादा भाई, 4 किलोमीटर हाँ भाई देखा है मैंने। क्या लिख रहा है वही 4 गेम्स के बारे में। हाँ अच्छा सेम ही मैसेज लिख रहा है क्या, कॉपी पेस्ट। एकदम छुई मुई गाड़ी है ये, पता है यार। हल्का सा छू दो उसको और पूरी मुड़ जाएगी। टिप्स एंड ट्रिक्स हो जाए थोड़ा भाई, वो बहुत दूर है भाई, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या ही लगाऊं मैं। 22 किलोमीटर का मैप है उसमें से मैं 4 किलोमीटर पीछे हूँ उसके पास। मैप बहुत मस्त है, मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस। अब दो दो जगह साथ पैक कर पड़ा। अरे तो एक ही जगह बात करो ना, दो दो जगह क्यों करनी है। डैश की स्ट्रीम पर एंगेजमेंट का टेंशन नहीं है, वो नहीं एंगेज करता है, तो मेरी स्ट्रीम पर ही लिखो भाई। 1 मिनट पीछे मैं लिखता हूँ। और लैप कितने मिनट का है, 7 मिनट का नहीं, 2 मिनट का, 7 मिनट का लैप है। 7 मिनट का कैसे भाई, 14 मिनट तो हो गए, 6 लैप कम्प्लीट कर लिया, 5 किलोमीटर पीछे हूँ मैं तुम। अरे नहीं ये गाड़ी ना सच में मेरे लिए ट्रिकी है, डैश के लिए नहीं, डैश का मतलब जो ड्राइविंग स्टाइल है उसके हिसाब से परफेक्ट है एकदम। तो अलग अलग गाड़ी लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हाँ लोग, अलग अलग गाड़ी लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे। अलग अलग गाड़ी लेके हम एक्सपेरिमेंट कर रहे। हाँ वही कह रहा कि अच्छी बात है, मतलब
यही देख रहे कि कौन सी गाड़ी। मुझे तो कॉर्वेट C6 अच्छी लगी, C6 R से। और भी है बहुत सारा, ट्राई करेंगे। हाँ भी बहुत सारा है, ट्राई करेंगे। एक मिनट, एक मिनट 3 सेकंड 10 मिलीसेकंड। डैश को बूस्ट चाहिए बढ़िया वाला डैश। खाना क्या खाया था आज रात में? मैगी। इसीलिए क्यों आज खाना खाने नहीं गए क्या? नहीं। क्यों? थोड़ा ऐसे मन नहीं कर रहा था। मेरा चाइनीज खाने का मन था लेकिन खाना बना हुआ था, मैं खा नहीं पाया। मेरी बंदी खेलती अभी कहती टर्न कंप्लीट करे, क्या कहती है तुम्हारी बंदी? डैश कितना खींची है तुमने अपनी गाड़ी? मेरी 337 गई जस्ट, 326 तक गया था, देखा नहीं उतना। सोचो कुछ ऐसा चमत्कार हो कि मैं 2 लैप के अंदर 1 मिनट कवर कर लूं। कुछ भी। अक्षत तो मतलब अब तू दिल्ली में है तो कहाँ रुका हुआ है? मामू का घर है उसका। अच्छा, दिल्ली एकदम प्रॉपर सेंट्रल दिल्ली में ही है क्या? सेंट्रल दिल्ली या साउथ दिल्ली, कहाँ है तेरे मामा का घर? हग दिया, मस्त चल रहा था। मैं 5.5 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर तक लाया था लेकिन ये गाड़ी भी लाइक हट नहीं चलूंगी। मस्त था वो बंदी वाला कमेंट, मस्त था। हमको भी सुनाओ। अरे वो पूरी वापस पढ़नी पड़ेगी चैट, काफी लंबी चैट लिखी थी उसने। पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ। हाँ भाई मैं वही कह रहा था डैश को कि ये ना लगती नहीं है गेम 2005 की। अभी ये ग्राफिक्स मिड पर है मेरे, एकदम हाई ग्राफिक्स पर नहीं खेल रहा मैं, मीडियम ग्राफिक्स पर है। सोचो अगर मैं हाई ग्राफिक्स खेलूं तो क्या मस्त लगेगी भाई, आज की फोर्जा जैसी गेम को टक्कर दे दे ये। क्या बोलते हो डैश? ये फोर्जा वोर्जा बच्चा है इसके सामने भाई, इसके इतना प्लेयर बेस है ना। पता नहीं ये इसको रिवैम्प क्यों नहीं कर रहा है भाई, ये भाई चूतिया। उनको हगना छोड़ के कुछ हराता है, गलती से अच्छा एक तो मास्टरपीस बना दिया।
तुम थूके क्या कहीं पर? हाँ एक जगह। कवर तो नहीं होने वाले भाई, गेम ही खत्म नहीं होगी। एक मिनट का स्प्लिट था, एक मिनट का। हो गया वापस। हाँ इसने लिखा था, हाँ तो ये वाली चैट भी अच्छी थी। गाड़ी भी लाइक आज नहीं। हाँ मैप नेम ये कैंपस इंटरचेंज है, ये जो मैप है ये कैंपस इंटरचेंज है। और हाँ मेरी फॉरचेक बंदी, 911 लो, फॉरचेक 911। हाँ रुको। हाँ तो इसकी चैट थी, मेरी बंदी कहती अभी तुम दोनों को देख के कि कितने क्यूट है दोनों, और जब डैश की स्माइल कर रहा था तभी भी बोली लम्फाओ। ठीक है भाई। पोर्शे 911 GT2 996 हाँ भाई एक ही मॉडल है उसका। खेलती बोलता भाई, क्या खेलती बोलता नहीं, भाई फॉर्चक 911 कैरेरा एस। भाई बोनस में ही है। अच्छा हाँ मिल गई, बस भाई। ऑरेंज वाली हाँ मालवीय नगर। भाई मुझे ना ऐसे नगर जैसे नहीं पता यार, मुझे पता है कि साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ऐसे मुझे फिर भी थोड़ा मालवीय बहुत नगर पता शायद वेस्ट दिल्ली है। हाँ है। कोई नहीं मैप पर देख लेते हैं। स्ट्रीम पर देखो मेरा नया गूगल पिक्सल। कितना सॉफ्ट भाई। भाई लिया है। दिखाना पड़ेगा। कलर साउथ अच्छा है। दिल्ली भाई, साउथ दिल्ली। ये वाला तुम्हारा टाइप का है ना? थोड़ा चला के पता चलेगा, हाईवे पर सब एक जैसी ही लगती है, ये एक दो टर्न के बाद अंदाजा लगेगा कि कैसी है। काइंड ऑफ मेरे जैसी है पर ड्रिफ्ट बहुत खाती है। नहीं, बच गया भाई। क्या किए बे? कोई ना। कोई ना नहीं, मतलब जिस वे में जाकर ठुके ना मुझे वो देख के हंसी आई। पक दिया मैं भी। अबे अबे अबे
दोनों आके ठुके वहां पर। डैश क्या हो गया बोलो कुछ। हंस तो रहा हूँ भाई, वाइब ले रहा हूँ भाई गाने का। अच्छा ये टर्बो वाली गाड़ी है। फेस कैम लेफ्ट में कर लो। अरे अभी रेस के बाद करता हूँ। अच्छा वहाँ ऊपर पोजीशन आती है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लेफ्ट में कर लेता हूँ ये रेस कंप्लीट करने को। हाँ तो दिया टिप्स एंड ट्रिक्स बोलते हैं। All good. क्या हुआ? तो अल्लाह अक्सर इतना सीरियस क्यों हो? गेम सीरियस नहीं, ये एक्चुअली कार वैसी है ना, इसको लीनियंटली चला नहीं सकते, एकदम फोकस देके चलाना पड़ता है ये कार को, है ना? भाई। आज लगता है भाई को चढ़ गई है। किसको किसको चढ़ गई है? डैश को? गेमिंग सीरियस है भाई, मजाक नहीं है। सीरियस हूँ तभी तो डेस्ट्रो हार रहा है, तो मैं थोड़ी ना हार जाता है। हैं? क्या मतलब है समझा ही नहीं। तो कि सीरियस हूँ तभी तो तुम हार रहे हो। डैश ने बकाडी पी थी आज। वो बकाडी नहीं, वो ओल्ड मॉन्क वाला है। हाँ भाई डेली पीता हो ना तुम्हारे साथ बैठ के। मेरे साथ तो बैठ ही नहीं सकते ना भाई, मैं कहाँ तुम कहाँ। बोल कैसे रहे हो फिर? जब उधर थे जियो वाले इवेंट पर तब देखा था ना तुम्हें पीते हुए। ठीक है भाई। आंटी जी स्ट्रीम देख रहे हो ना, देख लो मैं आपके बच्चे के बारे में बता रहा हूँ क्या क्या करता था वहाँ पर। आंटी जी दिन स्ट्रीम देखेंगे ना उस दिन स्ट्रीम का वैल्यू ही बढ़ जाएगा। दिक्कत यह है कि कुछ भी कर तो आंटी जी को भी समझेंगे नहीं। भाई तुम्हें जियो वाले इवेंट पर जाने के लिए बोल दिया, और क्या चाहिए। इनके लिए समझा नहीं। आंटी कभी देखेंगे नहीं भाई। ऐसे नहीं है, मॉडल जैसे बन जाओ फिर देखो देखेंगे। फिर भी नहीं देखेंगे भाई। अब मेरे माँ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ।
मैं अगर रिजर्व फंड का फंड ला के भी उनके सामने रख दो ना, अगर भी वो बोलेंगे कि पढ़ाई कर ले और जॉब कर ले। तुमने ना वो केएल राहुल वाली बात की है, पता है उसकी बात पता है तुम्हें? केएल राहुल वाली हाँ पता है वो रिजर्व बैंक का वो। मेरा अफसोस पता है क्या है कि मुझे समझने वाला मतलब मैं क्या हूँ वो समझने वाला कोई है ही नहीं, ये मेरा अफसोस है। मेरा माँ तक मुझे नहीं समझती। यार ये इतनी लंबी लंबी चैट्स लिख रहा है ना, रेस करते करते पढ़ा नहीं जाता वो। अबे ये रेस में बारिश नहीं हुई ना? हुआ था थोड़ा सा यार। ए भाई क्या हुआ? कुछ नहीं आकाश बोला। क्या बोला? बोला हेडफोन गिफ्ट करेगा। मैं बोला नहीं भाई नहीं चाहिए। हाँ अक्षत तुम्हें गिफ्ट करेगा वही तो बोल। अच्छा वो तुम्हें गिफ्ट करेगा? हाँ। तो तुम्हारे पास अभी है तो सही, कौन से है तुम्हारे पास? रेड गियर। हाँ तो भाई रेड गियर के ऊपर क्या भी लेके देगा? नहीं चाहिए भाई, कीबोर्ड दिया है वही अच्छा। अरे ये वो क्या तू प्लान कर रहा था अक्षत वो मिलने का, वो पूरा अच्छे से बता। गैश एकदम मक्खन गए बे टर्न से। टर्निंग अच्छा आता है मेरा। चले यही टर्न पर दो लैप पहले ठुके थे तुम। वो तो थोड़ा इधर उधर होता रहता है। कांड हो गया? कौन सा कांड हो गया अभी मीटअप के? क्या क्या देखने का क्या भाई हुए। बहुत अच्छा गेम है ये। क्या हो गया वो बाकी मैसेज करता है क्या क्या देखना पड़ रहा है?
वेवा के। अच्छा उसको बोलो भाई एकदम नेक्स्ट। उसको क्या बोलो, उसको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना। भाई दे रहा है। हाँ तो वेव ये, अच्छा ये तो वो बाद में हुआ था ना, ये अपने टाइम पर नहीं था। ये वो नहीं फेज है जो तुम्हारी जनरेशन ने मिस कर दिया, और कभी इसको इसके इक्विवेलेंट कोई गेम आई नहीं। बीजीएमआई अपनी जगह, एनएफएस अपनी जगह, एनएफएस मोस्ट वांटेड अपनी जगह, एनएफएस नहीं। भाई इतना क्रेज था ना, लोग साइबर में जा जा के ये गेम खेलते थे। दो हजार पांच की गेम है लेकिन लगता ही नहीं है 2005 की है। गया, हग दिया, अब डैश निकल जाएगा गया। अबे क्या किए बे, कुछ नहीं, धक्का दिया तुमको और क्या। पूरा रोड खाली था। वेबकैम फ्रीज हुआ है बे। होता है, सच में होता है ये ना, बहुत सबसे बेकार ग्लिच लगता है मुझे। क्या कर रहे हो बे, सारा चार चार जगह एक साथ दिख रहे हो मुझे। टिप्स एंड ट्रिक शॉट मिलेगा आज बहुत। नेटवर्क लैग, चार चार जगह दिख रहा हूँ एक साथ। हाँ भाई ये कौन आया बे? अक्षत सारा भाई, जोगिंदर नहीं, अक्षत नहीं है, ये वे वे दुख दर्द पीड़ा वाले इंसान। आजकल जिसको देखो ना उसी की जिंदगी में दुख है भाई। जा हम लोगों को छोड़ कर, हमारी स्ट्रीम पर जा, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर अपने दोस्तों के साथ। कल्याण ढूंढ नहीं रहा, तुम्हारा करूं बैठ के। भाई दूसरों का करेगा तब तो तेरा होगा। कह तो रहा हूँ वाईफाई लग, स्पॉन्सर करो जल्दी, कल से लाइक करने बैठ रहे हैं। भाई मैं खुद क्यों जा? दो जगह वाईफाई मैं खुद स्पॉन्सर कर रहा हूँ भाई, और नहीं स्पॉन्सर कर सकता। अरे आप पता है ना, मैं भी बैठा हूँ, मैं भी कुछ कर लूँ, घर में अकेला बैठा रहता हूँ दिन भर। पढ़ा लिया कर, पढ़ाई कर बे, ये तुम डैश की पढ़ना, बात मत सुन बे, ये हमेशा उल्टी सलाह देगा। पढ़ाई कर अरे ले, उसमें मन नहीं लगता, सुबह एक बार कर लेता हूँ लेकिन मन नहीं लगता। ये देख साला बाकी ठहर हिला गया, लिया कर भाई। डिप्रेशन में जी रहे हैं अभी, थोड़ा मन नहीं जाता, कभी कुछ जैसे काम चाहिए, इसलिए कह रहे हैं दूसरों को छोड़ हमको करो ना, हम प्रॉफिट देंगे कसम से। अबे मैं दूसरों को नहीं, मैं अपने ही घर पे दोनों वाईफाई मेरी मैं ही लगाया हूँ। मेरे घर वाला भी मैं ही पैसे भरता हूँ, वो गुजरात वाला भी मैं ही पैसे देता हूँ। एक काम कुछ महीने के लिए कर दो, बाकी अपन करते हैं। वाईफाई लगेगा ना, वापस पीछे लगाना। भाई पापा को बोलना, पापा क्या बोल रहे। देखते हैं लेकिन तू पढ़ाई नहीं करेगा अभी। मैंने कि देखो मैं अरे पहले तो कर लूँ, उसके बाद मेरा मन भी नहीं करने का, मेरा पूरे दिन खो चुका है ओए। तो बस तेरे जब ऑनलाइन क्लासेस थी तो तब फिर तूने वाईफाई नहीं लगवाया था? नेट से अबे फुका मत जा। हाँ नेट से चलता था, नेट से चलता था। इतनी कितने घंटे की क्लास होती थी तेरी? टीचर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे। हाँ तो इतना घंटा नेट से, डेटा से। बाकी दिन भर में गेम थोड़ा ना खेलता था, फिर मैं केवल व्हाट्सएप चलाता था। भैया कुछ करवा दो यार मेरा उससे। बीजेम आते तक भाई कुछ नहीं होगा। अरे कोई और भी खेल लूंगा, कोई सा भी खेल। अबे खेलने की बात नहीं है ना, ऑनबोर्डिंग भी तब शुरू होगी क्योंकि उनको स्ट्रीमर से तब चाहिए होंगे। कुछ नहीं है मेरे पास काम,
बस बैठे रहो, लाइव करूंगा ना भाई, तुम मुझे भी आते हैं लोगों से बात करूँगा। तो तेरी टीम खेलती थी ना लाइट में, उसका क्या हुआ? खेलती है हाँ, तो उनकी जाके स्ट्रेटेजी बना ना जाके, उसमें कितना टाइम लग जाता है एक अच्छी स्ट्रेटेजी? अरे ऐसे एक ही रोटेशन है, वही दिन भर करते हो, टॉप फाइव टॉप थ्री निकालते हो। अबे तो टॉप फाइव आ गए तो टॉप थ्री निकालो, टॉप थ्री आ रहे हो बार बार तो टॉप वन निकालो, वो हो जाता। अबे हो नहीं जाता बे, लगातार हर मैच करो। अरे लगातार क्या, लाइव देख लेता हूँ। डैश क्या हो गया एकदम से? कुछ नहीं, जाके टोल बूथ को ठोक दिए। हम लाइफ में पता कर लेते हैं भैया, यहाँ तुम आ गए हम बता देते भाई यहाँ आ गए, अगले गेम में कल के दिन ऐसा मत करना, रोटेशन सेम ही रहता है मैच का, फिक्स है, ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जोन होता है, वेरिएशन ट्राई कर, वेरिएशन वेरिएशन देना भी, जैसे चल रहा है भी चल रहा है, वो खेल रहे हैं अपना, कोई कभी नहीं होता तो मैं चले जाता हूँ खेलने। अबे ई-स्पोर्ट्स में बदलाव ही सबसे बड़ी चीज है, जितना तुम फटाफट चेंज कर सकते हो उतना अच्छा है। मैं तो खुद दो तीन बार तुम्हें सीओडी वाला था ना, सीओडी वाले बंदे तो भाई एक मिला तो बड़ी मुश्किल से भाई, वो भी बोला भाई आप पहले बाकी जगह फिर कॉन्टेक्ट करना। क्या बोला वो? पहले आप बाकी प्लेयर देखो फिर कॉन्टेक्ट करना। मैंने कहा भाई भाई बाकी प्लेयर होते तो तुझे थोड़ी लाते, क्या बोलना लोगों का। एक्चुअली ये पहले सीओडी खेलता था एज अ ओनर, तब मैं क्लैन का जिसका पूरा बंद हो गया रहना था, तभी तो मैंने सीओडी भी डिलीट कर दिया, आलस आता है बीजी मार दिया। सीओडी कंप्लीट कर दिया मोबाइल में? सीओडी डिलीट कर दिया, आलस आता है खेलने। मेरा मंथली यार दोनों जगह ना 500 का प्लान है, फाइबर का लगवाया दोनों जगह, शायद ये वाला जो है यहाँ पर नवी मुंबई में मेरा 50 Mbps का प्लान है और गुजरात में मेरा 60 Mbps का। सस्ता सा लगा दो, मैं कोई दिक्कत नहीं है। अबे सस्ता सा तो स्ट्रीम करनी है तो इतना तो चाहिए, इससे सस्ता क्या लगवाएगा? स्ट्रीम जो होगी ना उस पर बिटरेट नहीं आएगा ना, मेरे को 2 घंटे करनी है कम से कम। रेस्टो भाई सनन से दोस्ती करवाओ। कि किससे? सनन से? अरे आज मैं एक साइट का ट्यूटोरियल देख रहा था भाई, बहुत टफ है बे हैंडलिंग नोएडा भाई। अरे तो नोएडा महंगा है क्योंकि तुम ब्रांड्स के पीछे जाते हो, कि डोंट बी लाइक मॉर्टल एंड थक बी लाइक डैश एंड डिस्ट्रॉयर, किस बात को ले रहे हो? अरे कहीं स्पेस एकेडमी या रेस ट्रैक चलते जनवरी में भाई, नोएडा में जा सकते थे ना। ओए कौन सी कार लगानी है अभी? रुक जाओ, विलेज फिक्स कर रहा हूं। मेरा दिन भर का शेड्यूल सुनोगे ना डेली का, तुम कहोगे भाई मैं जी कैसे रहा हूं? क्यों क्या करता है? सुबह उठो, घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धो ये सब करो, टिफिन आएगा टिफिन में से थोड़ा खाओ, बाकी पापा के लिए दुकान जाओ, 3 घंटे बाद वापस घर आओ और घर में बैठे रहो, एक कमरा है उसमें चुपचाप बस, ना ही किसी का मैसेज ना ही कोई, किसी का कॉल आ गया तो आ गया वरना बैठे रहो बस। अबे तो तू लाइट में इतना तो एक्टिव था, वहां पर कुछ करना। ओए डैश तू मेरी स्ट्रीम देखो, मैं तुम्हारी स्ट्रीम देखूंगा। ये करना पहले एक्चुअली लाइट में अब सब अपने ऑटोमेटिक हो ही रहा है अपने आप, बता देता हूँ भाई तू कर ले, ये तू कर ले, हो जाता है। तो साथ में बैठ लेना उनके। अरे आलस उन क्या बातें करूँ, टाइम पास करते हैं। अबे डैशबोर्ड गेमिंग सर्च किया, तुम आते ही नहीं हो गए? बहुत नीचे आ गए। हाँ तो रैंक करवाओ ना अपने आप को। लिंक से आए हम तो, लिंक से आए। मैं भी वही करता हूँ, रुको लिंक से आता हूँ। मेरा भैया टॉप पे आते हैं नाम। वो गाड़ी लो, S65 AMG डस्टर। हाँ एक मिनट, कौन सी? SL65 AMG। SL65 AMG ले ली। क्या बस एक, मैंने तो कुछ दिनों पहले किया, मेरा नेट बच गया था बहुत सारा, मैंने लाइव करा था हेड के। अच्छी वॉचिंग आ जाती है यार। कौन सी गेम कर रहा था? मैं पबजी लाइट ही का खेल रहा था, क्लासिक।
उस दिन मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़े थे? 8 सब्सक्राइबर बढ़ गए थे मेरे। सही है भाई। और मेरी वॉचिंग आ रही थी कंटिन्यू, 1 घंटे का रहा था मैंने, कंटिन्यू आ रही थी कम से कम 10-15। ये रेगुलर हो जाए अपन तो अर्निंग चाहिए। भाई ये गाड़ी भी घूमने वाली है साल। इसका तुम्हारे किस नाम से है भाई? मेरा गेमिंग इंपल्स, GAMING IMPULSE। तूने कुछ गलत लिखा होगा। गेमिंग इंपल्स भाई काटो का सीधा सामने से जाके बैरियर पे। गेमिंग इंपल्स लाइव डालता हूँ। नहीं यार लाइव नहीं। इंपल्स गेमिंग आ रहा है। गेमिंग इंपल्स तो सेटअप देखना। फेस कैम के नाम पे पीसी का। अबे क्या गाड़ी पलटी है मेरी, हट पे। सब्सक्राइबर 1.7 होंगे। डैश तुम्हारा फेस कैम के क्या दिख रहा है जरा देखो तो। 4K मिलियन दिखा रहा हूँ, अक्सर को देखना था। क्या ना किसी से खरीदा है तुमने ये? नहीं नहीं पार्टनर चैनल है उसके। 1000 से कम सब्सक्राइबर से कुछ 600 थे, तो तब मैंने YT नया नया चालू किया था अपने दूसरे चैनल पे डिस्ट्रॉयर गेमिंग करके। तो तब मेरी वॉचिंग ना माइनक्राफ्ट की बहुत अच्छी आती थी क्योंकि तब मैं रेगुलरली करता था। तो उसने सामने से मुझे बोला कि हम लोग ये चैनल, मेरा ये चैनल है, इसके 1000 होने वाले और वॉच टाइम भी कम्प्लीट करना है मुझे, तो तू मेरे चैनल पर आ जा। तो वो तो फिर बाद में सब हमने डिस्कस किया था पेमेंट को लेकर के, तो वो सब फिर हमने किया। तो ऐसा है हम करो मेरा वॉच टाइम करो चैनल वॉच टाइम के बाद वापस करो। क्या मेरा 4000 को वॉच टाइम कर दो उनको बाद में दे देना चैनल करने के बाद। तो मुझे क्या मिलेगा उसमें? देख लेंगे फ्यूचर बेनिफिट्स तो पास्ट बेनिफिट्स वो ऐसा कुछ है। नहीं भाई तू लिख के दे मुझे क्या देगा तब मैं सोचूं कुछ। अबे वॉच टाइम कोई बड़ी बात नहीं है, वॉच टाइम मैं करवा दूंगा। वॉच टाइम सबसे आसान चीज है करना। मेरे चैनल को 1 साल से ऊपर हो गया 17 का वॉच टाइम। अबे यार क्या बेकार गाड़ी है। शेरी वॉचिंग आ जाती है, मतलब ऐसा है कि 1000 चैनल डेड हो जाता है वॉच टाइम नहीं करता। ये फिर भी आती है तो वीडियो डालता हूँ ना 30-40 की आती है। सही है ना। तो सब्स कितने तेरे चैनल पर? 236। हाँ तो बहुत सही है। एक्टिव है क्या तेरा चैनल? महीने में एक वीडियो आ रही है आजकल, पहले हफ्ते में आ रही थी। बेटर है ना भाई, मेरी तो साल में 2 वीडियो जाती है। लास्ट वीडियो में मेरे 58 आए। अरे डालते रह। अरे हाँ तू बैठा रहता है ना तो ये काम कर ले, वीडियो एडिट कर लिया कर। अरे मैं एडिटिंग हाँ अरे मैं कट पेस्ट वाला बंदा। अबे एडिटिंग क्यों नहीं आती? इतनी इजी है फोन में और पीसी में दोनों में। तेरे पास पीसी है? नहीं है। काइन मास्टर वाला। अरे तो फोन में भी बहुत अच्छी हो जाती है काइन मास्टर से। अरे नहीं हो पाए, कोई समझ में ही नहीं आती ना इतने घंटे बैठ। अबे तो बैठ के सीख ना। मैं बस ये करता हूं, मैं कट करके पेस्ट। हां स्ट्रेच कैसे हो? जैसे ही गाने की सबसे वीडियो बन गई अपलोड कर दो, किसी से थंबनेल ले ले तुम्हारे अपने थंबनेल दीजिए पुराना कोई हो गया। खुद से सीखना भाई ये सब, तभी तो मेरे को जब शुरू करना है ना एक बार। मेरे को मसलन नहीं है वीडियो वीडियो बना के एडिट करना। हर बार भाई नया टाइटल सोचो, नया गाना सोचो, एक ही चीज़ दिखनी है तुम।
अलग मजे आते हैं यार, मैं तो पूरा कास्टिंग मास्टिंग का शुरू कर दूं, बस वाईफाई आ गया। हम जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बस पैसे वैसे आ जाए कास्टिंग में। अरे पैसे आएंगे तो तू कास्टिंग कैसे करेगा? कास्टिंग तो बिना पैसों के भी कर सकता है। सुरान फ्रीप करूंगा, पार्टनर कास्टिंग करूंगा फ्री में, उसके बाद धीरे धीरे 10-20 रुपये पर मैच। यहाँ पर भाई 50-50, 100-100 रुपये ले रहे हैं भाई एक मैच के। इतना बड़ा कौन हो गया बे? अरे कुछ नहीं भाई, कुछ चूतिया है और तुम भी चूतिया हो, उनको दे रहे हो। दे नहीं रहे भाई, टूर्नामेंट कराना पड़ता है, कुछ ही बचे हैं ना केवल कास्टर। कुछ सस्ते हैं, कुछ कहते हैं और टूर्नामेंट के 500 रुपये ले लेंगे। अब क्या मेरे मेरे पास आते हैं कास्टिंग के लिए, डैनो वगैरह 2-3 कास्टर मेरे पास हैं। मैं कहता हूँ भाई बात करता हूँ, वो कहते हैं 500 रुपये रहेंगे, इतने रूम है तुम्हारे, 23-24 कर दो छुट्टिया पाओ। जैसे कि विंसी वगैरह सैम है, डॉक्टर एस्केप है, ये 100 रुपये के आस पास। भाई क्या टट्टी गाड़ी है बे? मैंने एक बंदे को बोला है भाई अपन डुओ कास्टिंग करते हैं। हाँ मैंने बोला तू सारा पेमेंट कर दे, ये है कि मेरे को नेट बचाना पड़ेगा दिनभर। अबे एक तो लाइट में वो सीन है ना, मैं ही कास्ट करूंगा, मैं ही स्ट्रीम करूंगा, वो बहुत फालतू है भाई। यहाँ पर प्रॉपर कास्टिंग सेटअप जिसे हम कहते हैं ना, वो है नहीं किसी के पास। याद है डैश एक बार अपन किए थे, हम लोगों ने पहला बनाया था। हाँ भाई जो गेम एग्जिस्ट नहीं करता उस पर इम्प्रूवमेंट करो तुम लोग, कोई लॉजिक है इस बात की? ये कि अब टीम्स कम हैं तो कंपटीशन नहीं करते। अरे गेम ही एग्जिस्ट नहीं करता, कंपटीशन किस बात का भाई? तो क्या करें भाई, पुरानी टीम में वापस आ रही है। दूसरी गेम पकड़ो ना बे। तुम लोग भी चूते हो और जो बंदे तुम्हारे पे भरोसा करके खेल रहे वो भी चूते है। सुनो, हम कोई और गेम खेलेंगे आधा घंटा लगता है कि ये साल में एक लाख वाला टूर्नामेंट होगा, तुम लोगों का करियर बन जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। मैं सुन रहा है बंदे लेकिन पैसा लेके आ क्यों रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं? भाई उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता भाई, स्लॉट बढ़ते ही नहीं है इतने। कहाँ भाई वो NRI का जो पहले हुआ था भाई, कहाँ 800 स्लॉट हो गए थे, कहाँ अब 250-240-200 स्लॉट करा रही है भाई 7-8 हज़ार रुपये दे के। ऐसे 6-7 टूर्नामेंट हो रहे हैं अभी 7-70 हज़ार के, दिन में 200 स्लॉट हो रहे हैं केवल। अब पहले तो पैसे देने वाले बेवड़े हैं और जो करो। अबे ये क्या हो? देता नहीं है कोई भी, सेल्फ फंडेड है। तो 2-3 का तो तुम ये है कि इनका फेक्स है भाई, गॉड जीतने की तो टूर्नामेंट होगा वरना क्या। भाई यार सर्वर में कुछ ग्लिच है बे, मैं चलता चलता रिस्पॉन हो रहा हूँ। आज दूसरी बार हो गया मेरे साथ ये। ऐसे गेम पे जिंदगी का टाइम वेस्ट करो जो गेम ही एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको कंपनी ने छोड़ दिया। मैं तो दूसरे गेम में जा ही रहा हूँ, ये कुछ मेरे को वहाँ पे मिले तो भी बंदे भाई, ये लोग आए हटेंगे नहीं इससे भाई साहब, इनके पास आईडी अच्छी अच्छी है बंद नहीं करेंगे गेम खेलना। अरे तो तुम लोग जो तुम्हारा ICF है उनको बोल के करवाओ ना शिफ्ट कॉडम पर पूरी कम्युनिटी को। ICF तो कब का बंद हो गया, तो कोई तो होगा, कुछ तो चल रहा होगा। कुछ नहीं भाई, विशाल ने बस मुझे मैसेज किया था बाद में, वो बोला कि भाई कोई आ गए नहीं आ रहा। विशाल खुद हमारे मैनेजमेंट में आएगा कुछ दिन में। कैनी NRI में वापस चला गया। चला कैनी ना भाई, एक नंबर का दोगला इंसान है। जो दूसरे बंदे हैं वही कर रहे हैं, जो आजकल हर टूर्नामेंट में। मैं एक अपने एक महीने डिस्कॉर्ड से ऑफ था,
वो प्राइम मिनिस्टर है ना, इसीलिए सामने नहीं आ रहा। अरे मैं एक एक महीना अरे बंद कर भाई, ये लाइट वाले बकचोदी सुनने में अच्छा नहीं लगता। सुनो तो, हमारे साथ क्या हुआ सुनो तो, हमसे मैनेजमेंट के सब ने ले लिया थे क्योंकि हम ऑफ थे, दूसरे बंदे ने लिया, इन लोगों ने उनको पकड़ के अपना काम करा, खुद नहीं आ रहे। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा सोना जा। बकचोदी है भाई ये कम्युनिटी। मतलब ना अभी ऐसा है कि कुछ लोगों को पता है कि उनका फायदा है, यूट्यूब चैनल वो लोग अपने इन्हीं के नाम से चला रहे हो प्रवीण जैसे, और ये कुबरा भाई ये लोग चूतिया बना रहे हैं और ये बन रहे हैं। लगता है कि दिन का 50 रुपए कमा लेने से जिंदगी चला जाए। पूछता भाई 50 रुपए दिन के कितने हो गए, 50 रुपए अगर कमाए तो कितने हो गए 30 दिन के हिसाब से? 1500 नहीं, 1500 कैसे भाई, मंथ का 1500 है, थोड़ा हुआ ना 3515 अब 15000 हुआ। अभी इजी कैलकुलेट कर लेता हूँ, 15000 हुआ अभी, 15000 हुआ। रुक जा रहे मेरी मैं 100 भी पीछे, हाँ 15000 नहीं 1500 हुआ भाई, कहाँ क्या फूंक के कैलकुलेट कर रहे हो? वही तो मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं सबकी भी। अच्छा 30 दिन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पता नहीं मैं क्या क्या तुमने क्या सोचा, मैं पता नहीं 300 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्यों मुझे भी नहीं पता। नया गॉड हूँ भाई, मंथ में 300 डेज को मैं वही बोल, मैंने 300 बाद में मैंने सोचा कि मैंने 300 मल्टीप्लाई क्यों किया। आज मेरे को बहुत महीनों के बाद विशाल मिला स्काई के वीसी पर, बस आए ही थे ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। नया आ रहा है, मतलब मैं उसको चिढ़ा रहा, मैं तो चिढ़ा रहा, तुमने आईसीएमआईसी शुरू कर रहे थे क्या, वो उसका मुंह बंद था उसका, वो विशाल अपने यहाँ आ रहा है। मेरे को भी ले सको यार टूर, अभी तो हैदराबाद में हुआ था ड्रीम हैक, गए थे तुम लोग? नहीं भाई, एक बंदा गया था हमारा, क्या करने गया था ऐसे उसको इनविटेशन मिला था, बस पूरा घूमा घूमा सबसे सेल्फी वेल्फी। अबे ड्रीम हैक का इनविटेशन मिला था उसको या पास खरीद के गया था पता नहीं, उसको चार्ज दे रहा था पास खरीद के गया भाई, जो कि एक घंटे तक पायल के साथ घूमा हुआ, एक घंटे तक तो उसके बाद तो पूरे सारी वीडियो दिखाई आपको सब में पायल पायल, दो तीन बस नए स्काउट दो पहले लोग भी थे अलग से पर्सनली बात कर रहे थे, देखिए पर्सनली मिलाना सबसे अलग से जाते हैं। अबे तो ड्रीम है तो ये सब इवेंट्स में यही तो होता है, इसलिए तो ये लोग रखते हैं कि तुम क्रिएटर से मिल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि नहीं पब्लिक में तुमसे बहुत सारे लोग आ रहे थे, ये लोग ड्रीम हैक की ओर से होते हैं, मत भाई टी शर्ट टू शर्ट सारे नाम उसको कुछ, एक में तो पूरी उस पत्र सबसे साइन करवा लिया, और एक है उसका न्यू स्टेट में एक टूर्नामेंट हुआ था ना जिसमें उसने एक टीम जीती है ओटी स्पोर्ट्स, वो हमारे दोस्त के दोस्त की है, वो न्यू स्टेट जीत गया, मस्त इंटरव्यू वगैरह हमारा देखा। हाँ हाँ सुन रहे हैं, बोलो ना अभी निकल गया। अबे क्या बोले अभी, क्या बोलो भाई, अजीब सा लोगों का तेरा वो लाइट वाला बक्सों की सुनने का इच्छा नहीं है तो बोल भी नहीं रहे, क्या बोल। नहीं देख ऐसा अगर तुम लोग कर सको ना तो बहुत सी होगी कि एज अ कम्युनिटी तुम लोग सब एक ही गेम पर शिफ्ट करो तो पूरी कम्युनिटी का फायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी BGMI तो डेड है ये तो पता ही है सब, बीजे मैं कह रहा हूँ पबजी लाइट ऐसा है, हमको कोई भी गेम खेलने में बस लाइव करने से हमको अपना लाइव करने के लिए पहले सेटअप होना चाहिए, पहले सेटअप बना तो वो अभी नहीं हो पाया, क्या बात है
अरे बनाओ उसको और क्या। ठीक है, हम इतना बोलते हैं, देखा हम अच्छे से खड़े होंगे इसमें। तो तुमको लगता कि तुम लाइव कर लोगे, सेटअप बनाओ। वाह, अरे एक टाइम था ना, मैं बताता हूँ, बहुत एक साल पहले की बात है जब चैनल आना शुरू किया था मैंने। उस टाइम मैंने एक हफ्ते लाइव किया था लगातार सुबह, मेरे पास तो 1 GB नेट होता था, सुबह सुबह लाइव करता था मैं भाई, 800 MB में उड़ा देता था सुबह। अबे 800 MB कितने घंटे स्ट्रीम करता था? 1 घंटा के बस। 1 घंटे में 800 MB भाई, कितनी क्वालिटी पर करता था तू? इसलिए थी कि देखने लायक था, 240। हाँ मैं वही बोलूँ भाई, एक घंटे का 800 मैं करता था। करता क्या था मतलब, मुझे मजबूरी होती थी कि वाईफाई वर्क कर रहे हैं और कभी लाइट चली गई तो टेम्परेरीली करो, तो भाई मेरा तो 1-1 GB उड़ जाता था आधे घंटे में। हाँ तो भाई अभी लोगों को दिखाना है कुछ, तो अच्छी क्वालिटी में ही दिखाओगे ना। अभी भी मेरी उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी, अगर 10-15। अरे तो उस टाइम लोग करते भी नहीं थे ना, आज के टाइम पर तो 240 स्ट्रीम करेगा कोई देखने नहीं आएगा। उस टाइम मम्मी कह रही थी तो पढ़ाई कर, मैं सो रही हूँ, मैं लाइव करता था, मस्त एकदम बातें करते करते। आजकल तो मैं वीडियो अच्छी डाल रहा हूँ ना, अच्छी क्वालिटी में, कम से कम 180 पिक्सल पे डाल रहा हूँ। हाँ तो वो ठीक है, 180 नहीं 1080 पे। हाँ वही 1080। तो मैं एडिट भी उसी में करता हूँ, हाई क्वालिटी में, मतलब एडिटिंग करके वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं, वरना मैं पहले एकदम लो क्वालिटी में करता था एक्सपोर्ट। हाँ और बिट रेट भी हाई रखा था। अबे मेरे से ये टर्न ही नहीं लग रहा बे, डैश टर्न नहीं हो रहा था, लास्ट वाला टर्न लग ही नहीं रहा, एक बार भी नहीं लगा। वैसे क्या वो इसका प्लान है वो रहा में ना, कि रात में लिमिटेड वाला 12 से 6 बजे तक वो जो वाला करके देखें, रात में लाइक कर 1-2 घंटे अनलिमिटेड नेट तो रह गई। अबे देख वाईफाई लगवा ले, मैं तुझे क्या कह रहा हूँ। तो भी तो मान वो कह रहा है तू कहाँ है, सब में लग रहा है दुकान कर, पढ़ाई वही कर, मांगे बात। हाँ तो बोल बोलो, जब 25-26 साल का होगा कॉलेज के बाद, जब सब सेटल हो उसके बाद देख भाई, तब तक ना कुछ नहीं बचेगा, तब तक जिसको जो करना होगा वो कर चुका होगा। मेरा जो मेरी 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 खेलने का मेरा जो थोड़ा बहुत चांस रहेगा वो भी नहीं रहेगा, देख। तुझे मैं एक चीज बताता हूँ, तुझे मैं एक चीज बताता हूँ, स्ट्रीम करने के लिए ना पीसी नहीं चाहिए, लेकिन वाईफाई जरूर चाहिए, वाईफाई के बिना स्ट्रीम नहीं होगी तेरी। एक टाइम पर तेरे पास मैं कह रहा हूँ बिना पीसी के तू स्ट्रीम कर सकता है एक टाइम पर, वो तो मेरे को ही पता है, कोई से भी ऐप से कर लेता हूँ। दोनों पर अपनी अपनी ऑडियंस है, यूट्यूब वाली ऑडियंस फेसबुक नहीं देखती, फेसबुक वाली ऑडियंस यूट्यूब नहीं देखती। मैंने कुछ बंदों से बाकी यूट्यूब से फेसबुक में गए हैं, वो कह रहे हैं फेसबुक बेटर है। हाँ क्योंकि फेसबुक अभी ग्रो कर रहा है ना, यूट्यूब ग्रो कर चुका है।
यूट्यूब ग्रो कर चुका है, तो जो प्लेटफॉर्म कभी भी ग्रोइंग होता है ना, वहाँ पर एज अ क्रिएटर तुम्हें फ़ायदा होता है, स्पेशली एज अ न्यू क्रिएटर। हाँ तो दोनों पर साथ कर लो ना, मतलब ऐसा कर लो कि OBS पर, अच्छा तू अगर फोन से करेगा तो भी मल्टी स्ट्रीम होता है, जैसे अपना ये क्या बोलते हैं, अबे उसका सस्ता फोन अबे उड़ जाएगा। नहीं नहीं टर्निप वैसे जैसे फोन ऐप वहाँ पर मल्टी स्ट्रीम होता है, एक यूट्यूब पर लगा दो और एक RTMP लगा लो। मैं पुराने वाले फोन में, हाँ में मेरे, हाँ मुझे पता है होता है, टर्निप अच्छा है। फेसबुक ट्विच और यूट्यूब तीनों पे कर दिया। हाँ भाई टर्निप बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, बहुत मस्त एप्लीकेशन है, पता है। हाँ ये फोन बेटर है भाई उनसे, डैश पीसी वाला है, इसको फोन में नहीं पता टर्निप वगैरह कैसे चलता है। टर्निप बहुत सही है उसके ऊपर, तुम तो पूरा उसके ऊपर वो लगा सकते हो, ओवरलेज वगैरह लग जाते हैं, मस्त है वो, करता है थंबनेल वगैरह वो सब लग सब हो जाता है, बहुत मस्त एप्लीकेशन बनाया हूं। क्योंकि क्या यूट्यूब से लाइव करने के चक्कर में 1000 सब्सक्राइबर करने पड़ेंगे। हाँ अभी तभी थंबनेल लग पाएगा आप ऐसे बोलते हैं, अभी तो कम्युनिटी पोस्ट उन्होंने ऑन कर दी है कम सब्सक्राइबर वालों के लिए, पहले कहाँ था, पहले नहीं था, पहले 1000 सब्स लगते थे कम्युनिटी पोस्ट के, पता है मुझे भाई। तुम लोगों का दिमाग लाइन पे है कि नहीं है, यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो नाम के भी एक चीज होता है, याद है ना? अबे तो क्रिएटर स्टूडियो फोन से नहीं कर सकते ना स्ट्रीम, वही तो प्रॉब्लम है। अरे क्रिएटर स्टूडियो से पहले से वो थंबनेल तो सिलेक्ट कर सकते हो ना। हाँ लेकिन लेकिन झंझट बहुत है। हाँ जिसके पास पीसी नहीं हो ना उसके लिए बहुत दिक्कत है, फोन पे वो ऐप ऑप्टिमाइज नहीं होता है भाई। होता है यार, वही तो डैश में कह रहा हूँ कि तुम कौन से जमाने में हो भाई, फोन से लोग पूरा पूरा टूर्नामेंट करवाते थे, होता है जिन हर कोई पीसी या लैपटॉप नहीं रख सकता अपने पास, तो इसलिए तो कह रहा हूँ टर्निप है, ऑमलेट आर्केड है, बहुत मस्त एप्लीकेशन है। पता नहीं नहीं जमता। हाँ वो जमने की बात अलग है क्योंकि अपन वही पीसी नहीं जमता वैसे भी। नहीं नहीं ऑमलेट टारगेट मुझे जमता है, मैंने क्योंकि स्टार्ट ऑमलेट टारगेट से ही किया था। मैंने बीच में ट्राई किया था, मेरे से नहीं हुआ, मैं तब ड्यू रिकॉर्डर से करता था पहले, लेकिन वो बैन हो गया। निकल रहा हूँ मैं, टाटा भाई, रुको ना एक और रेस। अबे चलो ना यार, तुमने गेम क्विट कर दी क्या? एक बार वापस रूम क्रिएट करना, एक लास्ट रेस लगाओ। अब यार छोड़ो ना, कल खेलेंगे। चलो ना यार, चलो ना पीड़ू, चलना यार, रूम वापस क्रिएट करना। अबे एक्चुअली ये है कि मोबाइल में ना फिर हमको क्रोम पे जाके यूट्यूब स्टूडियो पे खोलना पड़ता है। हाँ पता है मुझे, ये दिक्कत होती है पूरा, फिर डेस्कटॉप मोड उसका, डेस्कटॉप मोड आते नहीं है ये ऐप में मोबाइल के। मोबाइल ऐप तो बेकार है उसमें, तुम लाइव स्ट्रीम। हाँ फिर हमको बार बार क्रोम पे जाके खोलना पड़ता है उसको। हाँ भाई उसको ज़ूम करते रहो बैठ के, वही वो सही नहीं है। मेरी फ्री फायर वाली पे 117 है जबकि इसमें कुछ नहीं। डैश ये है क्या ऑनलाइन? नो आइडिया। अबे मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, रूम क्रिएट किया, आ जाओ। आया कहाँ है नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, अबे कीर्ति नहीं कृति। तुम्हारा 500 रुपये महीने लगता है ना जियो का? जियो का नहीं पता भाई। 470 MBPS महीना, महीने का कितना देते हो? 470 MBPS ठीक है। तो और सेट लगवाने के कितने लेते हैं ये लोग? 1500। 1500
तो बॉक्स इन बॉक्स के अलग लेते हैं या उसी में इंक्लूड है? सब आता है 470 तो पड़े जा रहा हूँ तो महीने का प्लान वो 6 महीने और 12 महीने के भी तो प्लान होंगे अलग अलग। क्या रेट है आइडिया? माय जियो ऐप में देख लो। अरे यार एक और है 250 MB उड़ गया अभी तो, हमको शायद नेट देखना पड़ता है। अच्छा 12 बज गया, अब तो रिफिल भी नहीं होगा। वही तो, कल का मेरा 500 भी पड़ा था, पूरा यूज ही नहीं करा। बोगाडी लो SL500 मर्सिडीज। भूख लग रही है बे। SL500 मर्सिडीज भाई क्या बेकार गाड़ी है भाई, बहुत बेकार गाड़ी है, ले लो बहुत बेकार है, मैं पहले बता रहा हूँ बहुत बेकार है। चलता भाई ले लो। कितने लैप लगाया सिटी में? वाह सिटी पेरिमीटर। ऐप का नाम बताना जरा, माइजियो का कौन सा वाला है? माइजियो ही है वो। माइजियो वही जो रिचार्ज वाला है उसी पर से होता है। तो पता है ना जियो के कितने सारे ऑप्शन? अबे तो रिचार्ज वाला तो एक ही है। देख रहा हूँ माय जियो रिचार्ज वो मिल रहा है जियो मार्ट का। हेलो ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया जियो मार्ट वालों ने। यार भाई साहब बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, एक साल हो गया। बहुत ही बेकार गाड़ी है, मुझे बुरा नहीं लग रहा, लूज हैंडलिंग एकदम। You're welcome. क्या ग्लिच है भाई? क्या हुआ? वापस टूट गया क्या? पॉज हो गया। मल्टीप्लेयर कब से पॉज होने लग गई थे? पता नहीं, ऑटोमेटिक पॉज हो गया था। कोई अभी मेरे को इंस्टॉलेशन एड्रेस बता रहा है, मेरे को पहुंच जाना है। लोकल वालों से अगर तू लेगा ना तो वो लोग इंस्टॉलेशन नहीं लेते, लेकिन वही है कि लोकल पता है। वालों की सर्विस थोड़ी थोड़ी तो नहीं, काफी दिक्कत देने वाली होती है।
अभी तो लोकल का नहीं। 400 रुपये कितने Mbps का सही रहता है ये बताओ। 30 से तो नीचे कोई लेना ही मत। 30 आई गेस होता भी मिनिमम ही है, उससे नीचे कोई होता नहीं है। बट अगर अगर कोई होगा तो उस मत लेना, 30 मिनिमम की। उससे नीचे कुछ लेगा तो फिर तू स्ट्रीम नहीं कर पाएगा। महीने का नहीं है मतलब, महीने का है साल का? हाँ जियो का नहीं आता ना साल का शायद। वो तो है क्या साल का? डैश गलत जगह से चले गए। नहीं दिखा रहा वैसे तो, देखते हैं। मेरे को साल का नहीं दिखा रहा, मेरे को बस Mbps में रेट हाई वाले दिखा रहा। ₹200 का पड़ेगा अगर मैं 400 रुपये वाले में 3 बार करा, 3 हज़ार में बहुत महंगा पड़ जाऊंगा। 1000 रुपये ऊपर इतना Mbps से क्वालिटी है। तो मेरा लिंक नहीं है इसलिए मेरे को दिखा नहीं रहा है बाकी चीज। अबे ये क्या ग्लिच था? कोई बिल्डिंग नहीं कुछ नहीं, सीधा जाके गाड़ी खड़ी हो गई। भाई क्या गंदा ग्लिच है ये तो। मेरा हो गया GGWP। जैसे कोई फायदा तो नहीं है इनके में, अगर मैं महीने का भी इकट्ठा लूं या फिर एक महीने का। अरे ये बड़ी बड़ी कंपनीज इतना फायदा नहीं देते थे क्योंकि उनके पास, देख छोटी कंपनीज क्यों देते, क्योंकि उनको फंड्स मिल जाते हैं।
बड़ी कंपनीज के पास ऑलरेडी फंड्स होते हैं, जैसे कि मैं अभी 399 वाला जो 400 रुपये का है वो मैं उनसे देखा हूँ, 3 महीने का भी सेम, 6 महीने का भी सेम। ऐसा नहीं है, ऐसे ही मैं चेक कर लिया उस पे ऐप पे नहीं, गूगल से कर लिया। सुन भाई, जो 399 वाला जो भी लिखा है वो तेरे को देना होगा 470 रुपीस पर मंथ जीएसटी लेके। ऑनलाइन करेंगे तो तब लगेगा जीएसटी। आज जीएसटी तो लगेगा ही ना, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, तो रिचार्ज तो करना है ना। जीएसटी के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन का कर लेते हैं, जैसे तुम बिजली का बिल ये सब भी करते हैं भाई, उसको भी जीएसटी लगता है, उसमें स्पेशल रिबेट देता है ताकि तुम गवार लोग कैश छोड़ के ऑनलाइन करो। उसमें भी जीएसटी लगता है भाई। क्या भाई, जीती हुई रेस हार गया, हट। चल टाटा, चलो बाय, गुड नाइट। लेकिन अकॉर्डिंग में जो प्लान है उसके हिसाब से उतना ही लेता है, लेता है काट के, जब उस पैक में ही होते हैं जीएसटी लग के। चलो गाइस, गुड नाइट, सी यू गाइस टुमारो, देखते कल शायद F1 खेले हम लोग। कोशिश आज भी की थी बट कहीं ना कहीं वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया, सेटअप वगैरह जो है वो F1 का काफ़ी ट्रिकी था, क्योंकि हम लोग के पास ऑफिशियल गेम है नहीं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है उसमें। बट स्टिल होपफुली जल्दी से हम ये कर पाएँ, कल थोड़ा जल्दी बैठेंगे, 9:30 के आसपास सेटअप करने बैठ जाएंगे ताकि जो लैन प्ले है वो सेटअप कर पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू गाइस टू सी यू टुमारो, और कौन सी गेम खेल लें वो भी सजेस्ट करो तो कमेंट्स में, ताकि हम आपके मन मुताबिक गेम जो है वो खेल सकें। ओके, सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, बाय 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 बाय।